हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। तो बनिए हमारी फैमिली का हिस्सा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि चाहे खबरदार हो या मज़ाकरात, सब पहुंचेगा आपकी न्यूज फीड में। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मैं हिकमत मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे, स्मॉग से बचे हुए होंगे, खांसी छांसी नहीं होगी, ट्रैफिक में आराम से अपनी गाड़ी जो है वो चला के अपने काम पे पहुंच गए होंगे। इस्लामाबाद में तो आई थिंक सो स्कूल्स की काफ़ी छुट्टी भी है, तो बच्चे तो घर पे हैं आज, तो हो सकता है ज़्यादातर लोग सो भी रहे हों, लेकिन जिन्हें ऑफिसर्स पे जाना है, क्योंकि मैं देख रही थी अभी बाहर काफ़ी लोग जो है वो अभी भी जा रहे थे, तो सेफ़ रहिएगा रोड्स पे। मैं इस्लामाबाद वालों के लिए कहूँगी कि टाइम पे जहाँ जाना है चले जाएँ, आधे घंटे अगर आधा घंटा पहले निकलना है तो ज़रा घंटा पहले निकल जाएँ। आपको नहीं पता रूट्स कितने चेंज हुए होंगे, कहाँ कहाँ पर जो है ब्लॉकेज लगे हुए हैं, कहाँ से आपने जाना है, सो बी सेफ एंड प्लान योर डे वेल, ये मैं आज कहूँगी। बात जो मैं आज करने जा रही हूँ, मैं हर जुम्मे को एक्चुअली जब भी मैं रैप अप करती हूँ और वीकेंड पे हम लोग जा रहे होते हैं, तो मैं आपको कहती हूँ अपने पेरेंट्स को ज़रूर कॉल कीजिएगा, अपने पेरेंट्स से ज़रूर मिलिएगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ज़रूर कॉल कीजिएगा। और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फसाइज करती हूँ हमेशा, और मैं कहती हूँ बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके माँ बाप का साया उनके सर पर अभी भी सलामत है, और बाद में अफसोस करने से बेहतर है कि इसी दुनिया में उनका हक जो है वो अदा किया जाए। जितने उनके हम पैसे आते हैं कभी भी पूरे तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना आपसे हो उतना करें, और उसमें सिर्फ हाल पूछ लेना, उनके साथ बैठ जाना, उनसे बात कर लेना ही बहुत कुछ होता है। और कुछ लोग जो हैं जो घर में अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रहे हैं, तो सिर्फ साथ रहने से लोनलीनेस दूर नहीं होती, साथ घुलने मिलने से, एक कंपनी रखने से, उनके साथ बैठ के एक अच्छा ताल्लुक़ रखने से जो है आपका जो लोनलीनेस है वो कम होती है। तो मैंने एक वीडियो देखी रिसेंटली, मुझे एक्चुअली मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाती। तो इस एक लड़का है और उसने कहा कि मैं जो है जो हमारे ओल्ड एज है, जो ज़्यादा हमारे नाना नानी दादा दादी की मैं बात कर रही हूँ, उनकी लोनलीनेस जो है वो कैसी है, मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो उसने और ओल्ड होम्स के ऊपर उसने स्पेसिफिकली जो है ये प्रोजेक्ट किया। तो उसने किया ये कि फॉर वन वीक, 7 days, राइट, कितने ज़्यादा होते हैं, एक वीक के लिए उसने अपने आप को घर में लॉक किया, उसने अपना फ़ोन जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया। घर में एक टीवी था, टीवी के ऊपर जितना भी जो है जो चैनल, वो भी जो बेसिक आपके चैनल्स होते हैं, नॉट द सैटेलाइट वाले, वो थे, और ना इंटरनेट था ना कुछ और था। और उसने ये इंटरनेट और मोबाइल इसलिए हटा दिया, आप कहेंगे कि हैं ये सहूलत तो आपके पास होती है, आप जेल में तो नहीं है, क्योंकि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमारी तरह नहीं है, वो हमारी जनरेशन नहीं है जो हर वक्त फ़ोन से अपने आप को एंटरटेन कर सकें या जो हर वक्त इंटरनेट पर बैठ के अपने आप को एंटरटेन कर सकें, यहाँ तक कि वो ज़्यादा शायद टीवी भी नहीं देखते। आपने देखा होगा दादा दादी एटलीस्ट मेरे घर में तो न्यूज़ ही देख रहे होते हैं ज़्यादातर, ना वो ड्रामों में इंटरेस्टेड होते हैं कुछ, या उनका एक फेवरेट ड्रामा होगा, और उनके साथ अगर आप बैठ जाओ तो वो बातें करने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया और वो वीडियो जो है वो एक हाइपर लैप्स है, वो मतलब दिखाता है कि तेज़ तेज़ किस तरह जो है वो दिन चल रहे, और वो बंदा कहता है कि 2 days, 2 दिन में मुझे ऐसे लगा जैसे मैं पागल हो जाऊँगा। कहते हैं मुझे बाहर नेबर्स की आवाज़ आ रही होती थी, मुझे लोगों के बात करने की आवाज़ आ रही होती थी, मुझे जो है टीवी के ऊपर लोग नज़र आ रहे होते थे, लेकिन क्योंकि मेरा कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं था, क्योंकि मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था, मैं शिकवा गिला क्या, मैं सिर्फ हेलो हाय किसी को नहीं कह रहा था, तो वो 2 दिन में, और अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो वो अकेले बैठ के रो रहा है क्योंकि उससे वो लोनलीनेस बर्दाश्त नहीं हो रही। तो अगर आप यही हाल ओल्ड होम्स का देखें और उसके अंदर आप उन लोगों को देखें जिनके ना बच्चे उनसे मिलने आते हैं, ना वहाँ पर जो है उनके पास कोई ऐसा बंदा है जिससे बैठ के वो अपने दुख सुख शेयर करें, या जो है सिर्फ उनके पास एक टीवी की सहूलत है, और वैसे कोई पर्पस भी नहीं है, क्या ज़िंदगी में पर्पस रह जाता है जब आप बूढ़े हो जाते हैं, ना काम करना है, ना पैसे कमाने हैं, ना आगे बच्चों की फ़िक्र है, ये जो सारी फ़िक्रें होती हैं हमारे पास कि कल को क्या होगा, अच्छा बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, अच्छा मैंने घर लेना है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने अपने आप को सिक्योर करना है, जब आप ओल्ड एज में चले जाते हैं तो ये सारी फ़िक्रें तो ख़त्म हो जाती हैं, जब फ़िक्रें ख़त्म हो जाती हैं तो ज़िंदगी का पर्पस ख़त्म हो जाता है। सो इमेजिन कि आप रोज़ सुबह जागते हैं और आपके पास करने को कुछ भी नहीं है, आपने आगे कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई मिलने नहीं आ रहा, आपसे कोई सोशल गुफ्तगू नहीं कर रहा, आपने किसी गैदरिंग पे नहीं जाना, आपने किसी डिनर पे नहीं जाना, आपको किसी काम पे नहीं जाना, कितने दिन आप ये चीज़ बर्दाश्त कर सकेंगे?
इट्स वेरी 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 डिफ़िकल्ट. तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ लोनलीनेस है, शायद हम उसको समझते नहीं हैं. शायद हम एक दूसरे से इतने डिटैच हो गए, शायद हमारे फेसबुक पे 1000 दोस्त हो गए, शायद हमारे फेसबुक पे 10,000 फॉलोअर्स हो गए, लेकिन हमारा आज एक अच्छा दोस्त कौन सा है? इस वक्त आप सोचें कि खुदा न खास्ता अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, तो कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी एक कॉल पे हैं कि आप उन्हें कॉल करें और वो सब आपके पास पहुंच जाएं. हर किसी की अपनी ज़रूरियात है, हर किसी की अपनी मसरूफियात है, हर किसी की अपनी मजबूरियां हैं, और ये मजबूरियां पता नहीं क्यों टाइम के साथ बढ़ती जा रही हैं. पहले जब बाकी मसरूफियात नहीं थी तो जैसे तैसे होता था. कुछ ऐसे लोग होते थे जो आपके साथ हमेशा मौजूद होते थे, लेकिन आजकल दोस्ती भी थोड़ी डिफरेंट हो गई है, दोस्ती का मतलब भी डिफरेंट हो गया है, रिश्तेदारियाँ भी बदल गई हैं. तो घर के अंदर एटलीस्ट, बहुत ज़्यादा तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन घर के अंदर अपने स्पाउस के साथ, अपने जो आपकी बीवी हैं या आपके जो मियाँ हैं, अपने स्पाउस के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और अपने बच्चों के साथ एक बेसिक ताल्लुक कायम करना बहुत ज़रूरी है. और वो ताल्लुक सिर्फ ये नहीं कि आपने जो है सिर्फ अगर कोई ईद पे डिनर हुआ तो उस पे जो है सारे इकट्ठे हो गए, या बच्चों से अगर आपने सिर्फ पढ़ाई का पूछना हुआ तो आपने बात कर ली. बेसिक गैदरिंग्स, कहीं पिकनिक पे जाना, कहीं जो है इकट्ठे बैठ जाना, कोई बोर्ड गेम्स खेलना, कोई फैमिली एक्टिविटी होना, ये सब चीज़ें ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है. और ये एक और टॉपिक है जिसमें मैं अभी नहीं जाऊंगी, लेकिन कहते हैं कि जो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस होता है, वो एक क्लोज, एक साथ रहने वाली, घुल मिल के रहने वाली फैमिली का जो बच्चा होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, रादर देन फैमिली जिसके अंदर बच्चे सिक्लूडेड रहते हैं, अपने माँ बाप के साथ उनका कोई खास ताल्लुक ना हो. तो इट रियली इफ़ेक्ट्स कि आप किस किस्म के जो है इंसान बनेंगे और आपकी कंट्रीब्यूशन माशरे में क्या होगी. तो ज़रा आज लोनलीनेस की मैंने बात जो की है ना, इस पर ज़रा गौर करें और जाएं, एक ज़ोर की झप्पी जो है ना अपने पेरेंट्स को डालें, एंड थैंक गॉड कि वो आपके सर पे सलामत है. और जितना उनकी दुआएं आप ले सकते हैं और जितना आप उनसे प्यार कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. गेस्ट में आज के अनाउंस करती, चलो हमारे साथ होंगे मुस्तफ़ा राना, जो कि आज आपको बताएंगे कि वेट बिगिनर्स जो हैं और वो ओवरवेट हैं, उनके लिए क्या एक्सरसाइज, अगर आप ओवरवेट हैं तो आपके लिए शुरू शुरू की एक्सरसाइजेस कौन सी होंगी जिससे आप अपना वेट घटा सकें, क्योंकि जब आप ओवरवेट होते हैं तो एक्सरसाइज करना ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है. तो उसमें आपको कौन सी जो है एक्सरसाइजेस से आपने स्टार्ट करना है ये वेट लॉस की जर्नी. हमारे साथ होंगे उमर घुमन, जो कि हेड ऑफ सैमसंग मोबाइल पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है, और आज हम बात करेंगे सैमसंग की जितनी भी हैंड हेल्ड एक्सेसरीज हैं, जिसमें टैब्स हैं, जिसमें फ़ोन्स हैं, नई एक्सेसरीज़ के क्या फ़ीचर्स हैं और किस तरह वो पिछली एक्सेसरीज से बेहतर हैं, और बाकी उनके कंपेटिटर्स जो मार्केट में हैं उनसे वो किस तरह जो है बेहतर हैं, आपको कौन सी चीज़ आपके मुताबिक लेनी चाहिए. हमारे साथ होंगे मिसेस अशमत, जो कि करती हैं ट्रीटमेंट बाय फूड. आपके बहुत से सवाल मुझ तक पहुंच भी चुके हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं. हमारे साथ होंगे खुशी वड़ाई, जो कि ड्रेस डिज़ाइनर है, और आज वो आपको बताएंगी कि डिफरेंट फैब्रिक से आप लहंगा डिज़ाइन किस तरह जो है वो बना सकते हैं. और हमारे साथ होंगी शेफ हिना, जो कि फ़िश स्टेक विथ चिली गार्लिक सॉस जो है वो आज बना रही हैं. सो यमी. छोटी सी ब्रेक के टाइम है, ब्रेक के बाद आप सकते हैं. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक. आज आप बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो लेके आए हैं कि जो लोग ओवरवेट हैं उन्होंने कैसे एक्सरसाइज जो है वो करनी है. तो क्या डिफरेंस होता है एक नॉर्मल इंसान जब एक्सरसाइज करता है या एक थोड़ा सा वेटेड इंसान और फिर एक ओवरवेट इंसान? जो ओवरवेट जो लोग होते हैं वो कोशिश उनकी ये होती है कि काफ़ी अरसे से वो ये सोच रहे होते हैं कि हम वर्कआउट स्टार्ट कर लें, ट्रेनिंग स्टार्ट कर लें. तो होता ये है कि एक तो उनका वेट ज़्यादा होता है, ऊपर से वो उस तरह की एक्सरसाइजेज नहीं कर पाते, तो वो ना फिर वो डिले होता ज़्यादा और कंटिन्यू नहीं कर सकते उस तरह से. तो मैंने आज कोशिश ये की कि जो लोग ओवरवेट हैं उनके लिए सिंपल सा वर्कआउट हो और ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बढ़ना हो. सही. और जो दूसरे जो वो लोग जो फिट होते हैं तो वो कोई भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो ऑलरेडी उसमें एक ऐसे लाइफस्टाइल में होते हैं तो वो सब कर सकते हैं. और प्लस आप जब ओवरवेट होते हैं ना तो आपकी नीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, फिर आपके जो है मतलब मूवमेंट्स आपकी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड सी होती है. तो उसके अंदर भी वैसी एक्सरसाइज होनी चाहिए जो आप एक्चुअली वैसा मूव भी कर सके, वरना आप देख के आप कहते हो यार मैं नहीं करना है. तो ऐसी वो होगा नहीं ना, तो वो कहेगा यार ये मतलब आज फर्स्ट डे और मैंने स्टार्ट किया और मेरे से हो ही नहीं रहा, तो वो बिल्कुल फिर वैसा नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं कर पाएंगे. हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. लो जी, मैं अपनी चाय लेके जा रही हूँ, फिर दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करो. ओके ओके. सो स्टार्ट करेंगे तो कम से कम एक मिनट का वर्कआउट ज़रूरी है. आप एक मिनट वार्म अप इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, कम से कम.
सो वो मैं सिंपल जिनका वेट ज़्यादा है तो लाइट ये है कि मार्च करें या हाई नीज करें लाइक दिस ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए, ब्लड स्टिमुलेशन प्रॉपर हो. आर्म्स लाइक 30 seconds, क्योंकि ओवर वेट हैं तो इसलिए लगता है कि वो ऐसे नहीं कर पाएंगे, बट तो आप वार्म अप प्रॉपर करें, सिंपल मूव्स रखें. इसके बाद थोड़ा हाई नीज, इसके बाद 30 seconds उसको कंटिन्यू रखें हाई नीज को ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए. वेदर भी चेंज हो रहा है तो थोड़ा वार्म अप लेट होता है. देन क्रॉस 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 हाई नीज, बॉडी को क्रॉस करें, लेग क्रॉस करें, नी को हाई लेके जाएं. इसमें रोप अगर है तो ठीक है, नहीं है तो लाइट स्लाइड हल्का हल्का जाए. 30 seconds के लिए आप जंप करें. और जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो ब्रीदिंग जो है उसको नहीं स्टॉप करना, ब्रीद इन ब्रीद आउट प्रॉपरली आपने करते रहना है. शोल्डर्स हैमस्ट्रिंग फाइव सेकेंड्स का रेस्ट लें, ब्रीदिंग डीप ब्रीद करें. और जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं 84% जो ब्लड स्टिमुलेशन है वो आपके मसल्स में हो रहा होता है. सो हम स्टार्ट करेंगे ऑन योर नीज, ऑन योर नीज लाइक दिस, बैक स्ट्रेट, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, टाइट योर कोर, क्वाड्रिसेप्स लाइक दिस, वन टू थ्री. जो लोअर एब्स के मसल्स है उसको टाइट रखें, बैक स्ट्रेट रखें, जहां तक आप पीछे जा सकते हैं वहां तक जाएं. सिंपल है, हर कोई कर सकता है, बैठ के बैठ तो सभी सकते हैं. आप ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज को बर्न आउट कर सकते हैं. बैक स्ट्रेट रखें, चेस्ट अप रखें, थाइस पे भी आपके बहुत ज्यादा आपको फील होगा कि आपका जो वर्कआउट है उसके 10 reps करें, 3 sets करें और हर सेट के दरमियान में 30 seconds रेस्ट मस्ट है. इसके बाद सेकंड मूव जो है वैसे है कि ऑन योर नीज लाइक दिस, ये ऐसे स्क्वाटिंग पोजीशन, थोड़ा नीचे रहे 90 के एंगल पे, देन अगेन डाउन हियर, देन अगेन इसके 10 reps करें. इट्स वेरी इजी स्क्वाटिंग पोजीशन लाइक दिस. सारे इम्पैक्ट आपके क्वाड्रिसेप्स पे, हैमस्ट्रिंग पे, बैक पे, लोअर बैक पे, काफ पे आपको फील भी होगा. इसमें यह है कि ऐसे नीचे जाके थोड़ा पीछे भी जा सकते हैं, देन अगेन दैट्स इट. इसके बाद हाफ बर्पीज, इट्स वेरी इजी. प्लैंक पोजीशन पे जाएं लाइक दिस ऑन योर नीज, आर्म स्ट्रेट, आपके आर्म्स, शोल्डर, बैक, नी एंड हील आपके एक एंगल पे मूव करें लाइक दिस, बैक स्ट्रेट,
leg forward, leg forward, then squat, and then open your arms like this. Okay, 1, 2, squat, same position, leg back, leg forward, then up, then open your chest, then down, 1, 2, 1, 2. इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं, हाथ को ऊपर ले जाके लाइक दिस, बिल्कुल इजी है. स्ट्रेट लेग फॉरवर्ड, लेग फॉरवर्ड, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, देन अप, देन अप, देन लाइक दिस. अगर आपको इजी लगे तो इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं. इसके भी 10 रैप्स करने, 3 सेट्स, 30 सेकेंड रेस्ट. इसके बाद स्क्वाट्स देन किक, और स्क्वाट्स टो टिप टो लाइक दिस, स्क्वाट ऑन योर टोज, स्क्वाट देन ऑन योर टोज लाइक दिस, टोज पे जाएं. Yes, 10 reps. इसका इम्पैक्ट आपकी काफ पे भी आएगा, जो आपका काफ मसल है. आपके जो लेग्स हैं थोड़ा सा वाइड, वाइडर देन योर शोल्डर्स लाइक दिस, देन आप Ten reps, 3 sets, then change the exercise. Sumo squats, first step, wide करें, feet की movement थोड़ा सा बाहर की तरफ को रखें, like this. Then इसके साथ ये है, squat करें, then kick करें, squat. Then kick. 5 each side. जहां तक आप जा सकते हैं, जहां तक आप किक लेके जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम. Then other side. 5 more squats. Like this. थोड़ा सा ओके. इसके बाद हैक स्क्वाट, देन किक, स्ट्रेट किक लाइक दिस. और एक और भी ये है कि एक पोजीशन पे जाके होल्ड कर लें लाइक दिस, होल्ड, देन थोड़ा सा मूवमेंट, 5 रैप्स, देन 5 किक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 किक्स ईच साइड, then 5 squats, 90 के एंगल पर होल्ड करें, then नीचे जाएं, yes, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, इसके बाद लंच, बैकवर्ड लंच, टच द ग्राउंड लाइक दिस, 1, वेरी सिंपल, 2, बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुकना, थोड़ा सा बैक स्ट्रेट रखें लाइक दिस, 1, 2, 3, जो नी है थोड़ा सा नीचे लगाएं ताकि वो बैलेंस मिले लाइक दिस. ओके, इसके आप 3 सेट्स करें, वीक में 3 डेज करें, और इसको ज़्यादा ज़्यादा पानी पिए. ब्रेक, ज़्यादा ज़्यादा.
पानी पिए, इसके सेट्स करें, शुरू में मुश्किल लगेगा फिर आसान हो जाएगा, बिल्कुल राइट, इजी हो जाएगा। यस, और इससे ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगे ना, जो मैंने वर्कआउट किया है अगर इसको 15 टू 20 मिनट्स पे ले जाएं 300 कैलोरीज बर्न आउट कर सकते हैं। ओह बेहतरीन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मुस्तफा। छोटी सी ब्रेक के टाइम में ब्रेक लगा सकते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे मिस्टर उमर घुमन ने, ही इज़ द हेड ऑफ सैमसंग मोबाइल पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ग्रेजुएट फ्रॉम लम्स, इनका 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन मार्केटिंग, सेल्स एंड कमर्शियल इंडस्ट्री। ही इज़ ऑल्सो अ गेस्ट स्पीकर फॉर वेरियस यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। आज हम एक बहुत जो है ना फेवरेट टॉपिक पे आई थिंक सो बात करने जा रहे हैं, दैट इज फोन्स एंड टेक्नोलॉजी, एंड फोन्स आर ऑल द रेज नाउ आई थिंक सो। मतलब मेरी अपने भाई के साथ जब कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, सो आई कांट बिलीव वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन, ही वाज थिंकिंग अच्छा मैं एक गेमिंग कंप्यूटर खरीदूँ कि मैं फ़ोन खरीद लूँ। अच्छा, एंड यू नो इट जस्ट शोज कि कितना कुछ जो है वो अब फोन्स में आ चुका है। तो हम स्पेसिफिकली आज सैमसंग का जो सबसे लेटेस्ट मॉडल है इन नोट, इसकी बात करेंगे। सो इफ यू कुड जस्ट गिव मी अ ब्रीफ ऑफ The latest phone that is. Now. जी सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 है, ये हमने रिसेंटली लॉन्च किया। नोट आपको पता है सक्सेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड नोट हैज़ अ वेरी पिक्यूलियर टारगेट मार्केट। जो लोग नोट यूज़ करते हैं वो दूसरे फ़ोन पर मूव नहीं कर पाते हैं, उनका सबसे बड़ा एक मसला भी हो जाता है। तो जैसे हमारी अभी ऑफलाइन डिस्कशन हो रही थी, हम आप थोड़ी सी और डिस्कशन भी करेंगे उसके बारे में कि नोट का क्या। और जैसे आपने अभी डिस्कशन स्टार्ट की, आप अभी बता रही थी कि जैसे पीपल आर थिंकिंग के कंप्यूटर लें के फोन लें, के फोन लें, exactly. एक जमाने में मुझे याद पड़ता है कि आई एम इन माय 40s, सो आई वाज 20 years back फोन वाज अ बिग लग्जरी। इवन जो आपका बेसिक फीचर फोन था वो भी लग्जरी था। एग्जैक्टली, अब नेसेसिटी बन गया। एंड इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, और उसमें आपको अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने में, इम्प्रूव करने में, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप वर्किंग हाउस मैन है, आजकल खवातीन बहुत काम कर रही हैं, सो यू हैव टू बी अ सुपर मैन और सुपर वुमन टू एक्चुअली मैनेज सो मेनी टास्क। सो आपका स्मार्टफोन मेक्स यू स्मार्टर, एंड देर आर फ्यू स्मार्टफोन्स हु हैव एक्स्ट्रा फीचर्स व्हिच एक्चुअली मेक योर लाइफ वेरी सिंपल। सो उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। आई नो, आई एम टॉकिंग अबाउट फीचर्स, देयर इज दिस वन थिंग जो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, इज द इंफिनिटी डिस्प्ले। जी जी, व्हाट इज, क्या है ये इंफिनिटी डिस्प्ले? देखिए, इंफिनिटी डिस्प्ले ऐसा है कि जैसे कि मेरे हाथ में ये फोन, ये नोट 8 फोन है, इसमें इंफिनिटी डिस्प्ले ऐसा है कि आप ये पूरा फोन कंप्लीट एक स्क्रीन है। अच्छा, एंड टू एंड इज कंप्लीट स्क्रीन। ठीक है। अब इन्फिनिटी डिस्प्ले का फायदा ये होता है कि जब ये इसके साइड पे जो मेटल बेजल्स खत्म हो जाते हैं, तो कहने को आप कहते हैं कि फोन 6.3 इंच का है, सुनने में आता है कि यार बहुत बड़ा है। स्क्रीन देखें, स्क्रीन भी बड़ी लगती है, जब हाथ में पकड़ते हैं तो इट्स अ वेरी स्मॉल फोन। ट्रू। सो एंड इट इज गिविंग यू अ बिगर स्क्रीन एक्सपीरियंस, सो एंड टू एंड स्क्रीन, इट गिव्स यू एन इन्फिनिटी डिस्प्ले लेफ्ट राइट पे अगर आप देखें तो। अब और यू नो इफ यू आर वाचिंग एनी मूवीज, आजकल बहुत सारे लोग जो हैं अपने टीवी ड्रामास वगैरह जो हैं कैचअप कर रहे होते हैं फोन के ऊपर। एग्जैक्टली, माय वाइफ डज इट ऑल द टाइम, एंड समटाइम्स किड्स आल्सो वॉच। सो एंड वी, दैट्स व्हाई आवर लाइफ इज मोर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे दैट यू नो वी वेट के करें। और अगर आपके पास अच्छी इन्फिनिटी डिस्प्ले है तो उसको आप और एंजॉय कर सकते हैं, आप जहां भी जा रहे हैं, प्लस यू आर गेटिंग एचडी क्वालिटी ऑन योर फोन, सो दैट्स गुड। अनदर थिंग जो बहुत ज्यादा एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हमने कौन सा फोन लेना है, इज द कैमरा। जी जी, क्योंकि इट्स आजकल तो आई थिंक सो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैमराज में आ गई हैं, जहां आप हर जगह DSLR लेके जाते थे ना, इफ यू हैव अ फोन यू कैन गेट रियली गुड पिक्चर्स। सो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट, I'm glad you're talking about it. अभी हमने recently launch जब Note 8 पाकिस्तान में किया, तो हमने पाकिस्तान के renowned photographers को भी, एक photographer थे उनको हमने बुलाया, उन्होंने हमारे program से पहले पूरी photography की, and he felt so good and he said कि do I need a professional camera or do I only need Note 8? True. So now he has Note 8 and he's going to be doing his portrait. So इस कैमरे, इसमें जो जो special बात ये है कि इसमें एक dual camera। अच्छा, ठीक है। अच्छा, डुअल कैमरा में ये होता है कि एक कैमरा आपका पोर्ट्रेट लेता है और एक कैमरा आपके बैकग्राउंड को कैप्चर कर लेता है।
अच्छा ठीक सो नाउ इट्स अप टू यू इफ यू टेक अ फोटोग्राफ और आप चाह रहे हैं कि सुंदर सिंह बैठी हुई हैं और इनके पीछे बैकग्राउंड है यू लाइक द बैकग्राउंड यू कीप इट शार्प और इफ यू वांट टू मेक इट ब्लर्ड सो आप इसको एक उसमें एक थोड़ी सी बार उसको लेफ्ट से राइट को प्रेस करना शुरू करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा सो इट्स अप टू यू यू डोंट रियली हैव टू चूज द बैकग्राउंड्स ऑल द टाइम कि कितना शार्प चाहिए कितना नहीं चाहिए यू जस्ट टेक अ फोटोग्राफ एंड देन यू कैन एडजस्ट योर फोटोग्राफ लेटर एंड ये नहीं है कि एक बार हो गया तो हो गया जब भी चाहे फोटोग्राफ को आगे पीछे करके अच्छा इवन आफ्टर यू हैव टेकन अ पिक्चर देन यू कैन सेव इट एंड यू कैन पोस्ट इट एंड देन यू हैव द मेन फोटोग्राफ आपके मोबाइल फोन के अंदर ही है तो आप उसको किसी भी टाइम दोबारा कर सकते हैं दिस इज वन थिंग सो इट हैज ड्यूल कैमरा ठीक है सेकंड इसके अंदर है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर अच्छा व्हिच मींस कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं समटाइम्स अ फोटोग्राफ लेते हैं तो वो हेजी सी ब्लर सी आ जाती है उसमें हिल जाती है इसमें इवन इफ यू आर ऑन द मूव and if you take a close up and you're on the move it still takes a good photograph no what do you call fast motion photography feature hota hai na baki cameras mein ji isko hum kehte hain optical image stabilizer so while you're on the move chalte hue bhi aapke camera jo hai mobile phone ka wo photograph ko bahut hi achhi quality mein khinchta hai amazing and it is tested against other devices as well and it has proven to be the top one Amazing, yeah. amazing. Achha, another thing about the what makes Note different from other phones, jo aap keh rahe hain ki phir user switch nahi kar sakta, is the S Pen. Ji ji. Right? Kya functions hai uska? Ji, S Pen ke to bahut sare features hain, lekin I can start with a few. Agar ye dekhen, ye phone hai aur maine iske andar ek yahan se press kiya aur ye isme se S Pen bahar nikla. It's so compact and it still has it. Theek hai. Aur pehle ye hota tha ki jab पेन होता था नोट के अंदर लेकिन वो इतना इफेक्टिव इस तरह से नहीं होता था कि आपको बार बार वापस डाल के दोबारा रीइनिशिएट करना पड़ता था अब ये है कि आपने अगर मेरे पास ये पेन है और मैं आई वांट टू टेक सम नोट्स आई एम सिटिंग विद यू आई डोंट हैव टू एक्चुअली टर्न माय मोबाइल फोन ऑन अच्छा तो मैंने इसके पर किया और मैंने इसके साथ अब यहाँ पे राइट करना शुरू कर दिया ये ऑफ स्क्रीन मेमो है अगर मैं थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा नजर आए फॉर एग्जांपल इफ यू कुड जस्ट टर्न इट टुवर्ड्स द कैमरा देयर मैं यहाँ से इस पे ए टी देयर ओह दैट्स ग्रेट अच्छा अब ये दीज आर नोट्स हैं आप इसके ऊपर 100 पेजेस एक टाइम भी लिख सकते हैं अच्छा सो आप नोट्स बना रही हैं फॉर एग्जांपल आपकी बिजी लाइफ है आप यू नो यू थिंकिंग अबाउट आपको आइडिया रात को आ जाता है I'm sold मैं आप मुझे तो I'm done no wonder you're the marketing head hey so I'm going out and getting it that's very good I'm telling you I was deciding and आपको बता रही थी मैं कौन सा फोन बहुत अरसे से यूज करती हूँ and you know we're all of my friends almost are thinking of switching now because of the steep price tag on the other one as well अच्छा जी security solutions एक when we talk about androids and everything so security ka jo hai aajkal aur issue bhi bahut hai there's hackers and there's everything and aapka sara because I'm saying it's become the main thing in your life to aapke account information isme hai then bahut sari jagahon pe to touch id se ya in cheezon se bhi aap jo hai payments kar sakte hain and everything so iske security solutions kya hain dekhiye security solutions to sometimes most of the time aisa hota hai ki aapko apne passwords bhul jate hain आपने लिखा जी एक्स वाई जी फॉर एग्जाम्पल आपने जी ए टी वी आपने अपना पासवर्ड रख लिया और उसके बाद आपको भूल गया ठीक है आपने कहा जी ए टी वी है ए टी वी प्लस है तो इस तरह से यू डोंट हैव टू एक्चुअली मेमोराइज थिंग्स अच्छा अब तो अब इसमें हमारे पास फीचर्स ऐसे हैं कि आपके फेशियल रिकग्निशन है थंब इम्प्रेशन ये आपने किसी भी उंगली से आप इम्प्रेशन से कर सकते हैं या आप अपनी आंखों को पासवर्ड बना लें Really? Eye scan as well. Eye scan. So is iris scanning कहते हैं So there are certain files which you don't want anybody to see. True. Maybe your financials or you're specially keeping some folder somewhere. आपने उसको अपने आई स्कैनिंग से कर दिया उसके बाद घर में बच्चे हैं या कोई और लोग हैं अगर कोई यूज भी करना चाह रहे हैं they cannot access those unless you know you are opening it. और ये आई स्कैनिंग रात के टाइम भी अंधेरे में भी फोन को अनलॉक कर सकता है सो आप चाहे अपना पूरा फोन लॉक कर दें सो इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग द पासवर्ड यू आर द पासवर्ड That's amazing. So even if you know, हम लोगों को especially खवातीन को ये issue होता है कि want to keep our pictures safe. Yeah. Family की pictures होती हैं आपके घर में and everything. कभी आप phone जो है वो
चेक कराने ले जाते हैं या उसके अंदर कोई आपको लग रहा है इशू आ गया, यू वांट टू गेट इट चेक्ड एंड यू आर कंसर्न्ड अबाउट कि अच्छा मैं इस पिक्चर का क्या करूं, सो दैट इज ओन, आप सिर्फ आप देख सकते हैं उसको, आप देख सकते हैं, आपने उसको सेपरेट फोल्डर के अंदर उसको सिक्योर कर दिया एंड देन यू आर फाइन विद दैट. सो ये एक बड़ा ही जबरदस्त फीचर है क्योंकि योर लाइफ इज योर पर्सनल लाइफ, सो व्हाई समबडी हु इज फिक्सिंग योर फोन शुड हैव अ लुक एट इट, और इफ यू वांट टू हैंड ओवर द फोन टू समबडी कि आप फोन कॉल कर लो, पता चले कि वो आपकी सारी ब्राउज कर रहा है पिक्चर्स वगैरह. आई नो, आई मीन आई फाइंड इट सो अननोइंग, कभी-कभी आप अपने फोन में किसी को एक पिक्चर दिखा रहे होते हैं, देन दिल गो हियर दिल गो देयर एंड यू आर लाइक no, don't do that. I don't want to show you that picture. Hamara main concern yahi hota hai ki we have so much information. I mean, especially with passwords and everything, like you said, save kiye agar meri tarah bhulakkad hai. So you'd want to write your stuff down everywhere and then you want to save it. So I think that's a brilliant feature. Aapne writing ki baat ki, main abhi S Pen pe bhi khatam nahi hua tha silsila, lekin main, let me just briefly. Please elaborate, please, yeah. Because I said ki there's other features too related absolutely. To S Pen. Acha, main ab agar main yahan pe baitha hua hu aur humne aapka phone aa jata aapko. Or up, you want to write some things while you are talking on the phone, you can take your notes. बात करते हुए भी अपने आप नोट्स साथ साथ, मुझे कोई अलग से कुछ नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर आप कहीं खड़े हुए और आपको किसी आपकी फ्रेंड ने कहा कि जी आप फॉर एग्जांपल ब्लू एरिया आ जाएं और आप ब्लू एरिया की शॉप पे खड़े हैं, आपने अपनी लोकेशन तो सेंड कर दी है, उसको समझ नहीं आ रही, आपने लोकेशन स्क्रीन कैप्चर की, स्क्रीन के ऊपर आपने ड्रॉ कर दिया, अगर तुम वहाँ से आ रहे हो तो यहाँ से लेफ्ट हो जाओ राइट हो जाओ और देन यू व्हाट्सएप कर दें, आप उसको किसी और फेसबुक पर भिजवा दें, सो एनीबडी कैन अच्छी लग रही हुई, so I'm sold. वैसे दिस मेक्स माय लाइफ वेरी इजी, मेरे लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि अब इट्स द सब्जेक्ट इज प्रीटी नाइस लुकिंग, तो मेरे लिए मसला नहीं है क्योंकि मैं टू सेल दिस. सो इसमें आपने सैमसंग के टेस्ट को और भी आसान कर दिया. चले बेहतरीन. अब मैं अब इस फोटोग्राफ पे, हाउ डू यू स्पेल योर नेम? एस यू एन डी ए एस. ठीक है, एस यू एन डी ए एस. ये हम फोन कैप्चर कर सकते हैं? हाँ, वे कैप्चरिंग. ओके, ये सुंदर की फोटोग्राफ आपने खींची. ठीक है, और मैंने यहाँ पे I want to see it. ओके, सुंदर. और मैं ATV भी साथ लिख देता हूँ. ठीक है, ठीक है जी. मैंने इसको डन किया. इफ यू कुड होल्ड इट टुवर्ड्स द कैमरा फॉर अ बिट सो दैट दे कैन कैप्चर इट. ये अच्छा, ठीक है, ये सेव हो रहा है इस वक्त. ठीक है, एंड व्हाट आर वी गोइंग टू, आई एम वेटिंग. सो दिस इज द लाइव फोटो फीचर दैट वी आर यूजिंग. सो ओह, सो देयर यू गो. सो आप अपने पोस्टकार्ड्स बना सकते हैं. यस, बर्थडे विशेस. या आई डू इट ऑल द टाइम. सो मैं अभी मेरी एक फेसबुक पे मेरी पुराने जाने वाली थी, शी इज वेरी सीनियर मैनेजर समवेयर लिविंग समवेयर एल्स, मैंने उसकी फोटोग्राफ पे साइट पे उसकी बीच के पे फोटोग्राफ थी, मैं हैप्पी बर्थडे मरियम लिख के मैंने भिजवा दी. इट लुक्ड लाइक एज इफ आई हैव स्पेंट हाफ एन आवर, आई लिटरली स्पेंट 20 सेकंड्स ऑन दैट. आई स्क्रीन कैप्चर की, उस पे हैप्पी बर्थडे लिखा, पोस्टेड ऑन फेसबुक एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर लाइकिंग इट. Yes, of and course. You're customizing your own messages and this is becoming a big hit. So, you know, what I do is अक्सर मैं लिख देता हूँ नोट 8 की क्या बात है, और उसके बाद मुझे कुछ 25 मैसेजेस आते हैं, ओ बेहतरीन है, आई लव नोट 8, आई वांट टू बाय वन, आई वांट टू गिव अ गिफ्ट टू समबडी एल्स. सो और उसके बाद कुछ लोग जो नोट 8 के यूजर्स हैं, एंड इट हैज बिकम अ डिफरेंट फ्रेटर्निटी इटसेल्फ, वो भी उसी किस्म के मैसेजेस लिख के भेजते हैं. एंड दिस इज स्पेसिफिक टू नोट 8 आई थिंक, ओनली नोट 8. ओह, सो जो जिनके पास नहीं होता वो कहते हैं यार ये तो हमें भी चाहिए. I feel left out right now as well. Achha, this phone is, this is apart from what I asked you, it's very specific to the business community as well. So how does it, hai na, as well, wahi main keh rahi hu ki business community mein bahut istemal hua jata hai. So kya hai iske andar aisa feature that really helps you with that staying? देखिए बिजनेस कम्युनिटी में ये होता है कि समटाइम्स यू आर अ प्रोफेशनल, यू हैव, यू आर लिविंग टू जनरली टू लाइफ्स, एक आप प्रोफेशनल और एक पर्सनल भी है. आपका एक पर्सनल नंबर है, एक प्रोफेशनल नंबर है, इस पर डुअल सिम है, दो सिम्स आपने अगर डाल दिए तो पहले का फीचर है. अच्छा, कि दो सिम्स होती हैं. इस पर डुअल ऐप्स हैं, इस पर दो व्हाट्सएप इस्तेमाल करें, दो फेसबुक इस्तेमाल. यू कैन हैव टू एट द सेम टाइम. या आई हैव टू,
सो मेरे जो पर्सनल फ्रेंड्स का जो समटाइम्स यू चेंज जॉब यू गेट अ न्यू नंबर, आपके लिए मसला ये होता है कि मैं क्या करूँ, दोनों व्हाट्सएप कैसे चलाऊँ. मैं दोनों व्हाट्सएप इस वक्त यहाँ चला रहा हूँ, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ. And there's two different numbers because that is something जो क्योंकि dual sim तो बाकी आपको phones में मिल जाती है, but I don't think you can have two apps at the same time. अगर आप ये देखें, इसमें दो WhatsApp नजर आ रही हैं आपको. Yes. इसी तरह और features Facebook भी आ जाएगा. अच्छा ये एक basic चीज़ है. अब as a businessman you don't want to carry heavy luggage. You don't अब laptops भी carry करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. True. So इस फोन के ऊपर वैसे ही आप फाइल्स बहुत सारी एडिट करके नोट्स बना के भेज सकते हैं, लेकिन देयर इज अनदर फीचर, डेक्स होता है, इतना सा छोटा सा डिवाइस होती है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव. उसके अंदर आपने फोन लगाया और वो डिस्प्ले दे देता है सामने टीवी के ऊपर. इफ यू हैव अ कीपैड, आपने इस पर काम करना शुरू कर दिया. फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में एक जमाने में कुछ महीने पहले आप लैपटॉप नहीं ले जा सकते थे. एग्जैक्टली. तो मैंने यही फोन लेके जाके लैपटॉप पे के बगैर मैंने प्रेजेंटेशन एडिट की, प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की, बजट्स भी अप्रूव करवाए, एंड आई वाज परफेक्टली फाइन. एंड समटाइम्स यू डोंट नीड अ डेस्क. फॉर एग्जांपल अगर डेस्क नहीं भी आप यूज़ करें वो डिवाइस, मैं भी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए गया तो पता चला कि मेरा लैपटॉप क्रैश कर गया, आई कुड नॉट यूज़ इट. तो हम यूनिवर्सिटी पहुँचे और हमारे पास हाफ फिनिश प्रेजेंटेशन पड़ी हुई थी. सो आई 20 मिनट्स और मैंने वहीं बैठ के अपने नोट एट के अंदर ही 46 स्लाइड्स में से कुछ 12 स्लाइड्स मैंने 15 मिनट के अंदर उसमें फोटोग्राफ्स लगा के कैप्शंस लगा के आई स्पोक फॉर 90 मिनट्स. बिकॉज ऑफ दोस 20 मिनट्स लास्ट ऑन नोट 8 आई वाज एबल टू यूज इट वेरी इफेक्टिवली. सो एज अ बिजनेसमैन यू हैव अ कंप्लीट पैकेज इन योर हैंड. स्क्रीन भी बड़ी है, एडिट भी हो जाते हैं, नोट्स भी हैं, ईमेल तो हर चीज हो जाती है, लेकिन समटाइम्स फाइल्स को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको कैप्चर करना, एडिट करना इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस फोन. सो दिस इज वन थिंग. अब आप फॉर एग्जांपल आप बिजनेस आप ट्रेवल करते हैं और आपको समटाइम्स किसी चीज़ का मतलब समझ नहीं आता. मैं यहाँ पे अगर कोई मेरे पास कोई बिजनेस कार्ड किसी और लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे टाइप्ड रिटन कोई चीज़ हो, मैं उसको कैप्चर करूँ, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट करूँ, दैट एक्चुअली कैन बी एक्सट्रैक्टेड एज एन एडिटेबल टेक्स्ट. Wow. Easily. Amazing. So Gaurav, I think this really helps when you're traveling abroad. You don't have to recreate a document. आपने किसी को कॉपी किया और वो फोन ने उठा लिया उसको और editable है. वो भी आपने यूज कर लिया. So this is not just scan. This is like a scan से निकाल के चीजें, PDF से निकाल के चीजें, then you can edit them. Type तो उसकी कॉपी की वो extract कर लिया और वो editable file होगी. So वो हो गया. फिर आप कह रहे हैं मुझे किसी वर्ड की समझ नहीं आ रही. अबाउट 39 लैंग्वेजेस की 70+ लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेशन होती है ऑन दिस फोन. इसी फोन में ये फीचर है, आपने इसको कैप्चर किया और एस पेन आपने उसके ऊपर रखा तो वो ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसलेशन देना शुरू कर देगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है. अमेजिंग. सो व्हेन यू आर अ बिजनेस ट्रैवलर और आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, कोई चीज समझ नहीं आती, कैप्चर की उसका मतलब ढूंढ, उसका मतलब ढूंढ. दैट्स अमेजिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एंड आई थिंक सो कि जितना हमने इसके बारे में बात की, मेनी पीपल विल बी सोल्ड राइट नाउ, दे वांट टू गो एंड बाय इट. लेट्स पुट इट टू अ फाइनल टेस्ट. Yeah. That is the selfie test. Yeah, absolutely. Yes, and then we will go on a break. और हम आपको जो है अच्छा selfie में भी एक और काम करते हैं. You don't have to touch the phone. The phone. I can just show my palm and it can take a selfie. Okay, we'll take a selfie this way so that the camera can capture the phone while we're taking the selfie. आ रहा है? Okay. There you go. So मैंने अपना हाथ दिखाया. Yeah. Amazing. It's amazing. Thank you so much for being here. Hum jaa rahe hain choti si break pe, break wala aap saath hai. Hai lekin aunty mashallah baki bahut khoobsurat hai. Unko bhi koi ye bata de. Acha hum bata dena dekh ke. Kya bana rahe ho aaj? Acha aaj sardiyan aa gayi hain to thoda sa fish ke upar bhi banate hain recipes. Theek hai. To aaj thodi English style ki fish hai. अच्छा. जो अमूमन हम लोग जाके रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद करते हैं, जिसको फिश स्टेक है, जिसके साथ हम होममेड चिली गार्लिक सॉस बनाएंगे. और ये जो फिश स्टेक है इसको आप बहुत सारी सॉसेस के साथ सर्व कर सकते हैं, वेजिटेबल्स के साथ कर सकते हैं. मैं बहुत एक इजी रेसिपी लेकर आई हूँ ताकि जो जल्दी बन सके घर पे भी. और जो हम चिली गार्लिक सॉस बनाएंगे वो आप ठंडा करके फ्रिज में रख सकते हैं, बाद में आप अपने जितने भी खाने बनाते हैं, कोई भी फ्राइज बना रहे हैं, सैंडविचेस बना रहे हैं, उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं, चाउमीन बना रहे हैं, हाँ,
तो ये जो सिंपल सी फिश स्टेक की रेसिपी है इसमें जो मेरे पास फिश फिले है जो बगैर बोन के है, इसमें से कांटा निकला हुआ है जो पूरा एक लंबा फिले आता है, ये वो है। ये इतना महंगा भी नहीं, बड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है। अगर आपकी फैमिली में 4-5 लोग हैं तो मेरे ख्याल से एक फिले काफ़ी होगा। मैंने इस तरह स्टेक से काटे हुए, अगर आप इसको चाहें तो थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। अच्छा है ना, मुझे ये बताइए, पहले भी मैंने ये सवाल पूछा था शेफ वसीम से, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी ट्रिक बताई थी कि ये जो फिश आजकल सारी फ्रोजन फिश मिलती है, फ्रेश तो मिलती नहीं है, तो इस स्टेट में लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा ये काम किया कि मैंने उसको निकाला, थोड़ी सी ही डीफ्रीज हुई थी तो मैंने उसको खाने में डाल दिया, सालन बनाना था तो बिल्कुल पानी पानी हो गया, पानी छोड़ दिया होगा। हाँ, तो ये इसको किस तरह जो है ना, ये आप टेंडर भी हो और इसमें पानी भी ना हो? सुंदर, पहले तो आपको इसको पहले से ही निकाल के रखना है जो भी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको कम से कम भी 2 घंटे पहले थाव करेंगे, अगर आप गर्म पानी में डालेंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर से बिल्कुल व्हाइट हो जाएगी, पक जाएगी। आप इसको एक बैग में डाल लें, शॉपिंग बैग में, फिर आप बड़ा सा एक डिश ले लें, परात ले लें, देचकी ले लें, उसके अंदर पानी भर के उसके अंदर छोड़ दें आप, तो वो जल्दी उसकी बर्फ जो है वो मेल्ट हो जाएगी। लेकिन आपने इसको कम से कम 2 घंटे पहले तो निकालना ही है, उससे पहले आप निकालेंगे कट तो जाएगा, बन भी जाएगा, लेकिन पानी तो वो ऑब्वियसली क्योंकि उसके अंदर पानी जमा हुआ है तो वो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, सही, बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए जो लवाजमात है मैं फटाफट से पहले आपको वो बताती चलूँ। फिश फिलेट तो मैंने आपको बताया कि मैंने 1/2 kg लिया हुआ है, आप चाहें तो इसको क्यूब में भी काट लें, आप इसको फिंगर में कट कर लें, लेकिन चूंकि स्टेक है तो स्टेक हम थोड़ा सा बड़ा और चौड़ा रखते हैं। नमक है, अच्छा ये मैं जो चीज़ें बता रही हूँ ये हम प्रिपरेशन में डालेंगे, जो हमारे पास मैदे और अंडे की हम एक बैटर बनाएंगे, ठीक है। नमक, ब्लैक पेपर, धड़ा मिर्च, ये धड़ा मिर्च हम 2 जगह इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी हम डालेंगे बैटर के अंदर और बाकी हम जो चिली गार्लिक सॉस बनाएंगे उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। मस्टर्ड, ये भी हमारे बैटर में जाएगा। उसके बाद हमारे पास थाइम है, ये भी बैटर में है। गार्लिक, ये 2 जगह इस्तेमाल होगा, चिली गार्लिक सॉस के अंदर भी और बैटर के अंदर भी। ये सिरका है, सिरका भी 2 जगह इस्तेमाल होगा और ओरिगैनो, ठीक है। फिर ये केचप है, केचप जो है चिली गार्लिक सॉस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। फिश फिलेज आपके सामने है, 2 अंडे मैंने तोड़े हुए यहाँ पे और ये है मैदा, ये बहुत जल्दी बन जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको मैरिनेट करके पहले से रख लें तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि उसके अंदर तक जाए, फ्लेवर अंदर तक चला जाए। जिस तरह आप लोग बैटर बनाते हैं पकौड़ों का, समझ लें उसी तरीके से ही ये होगा। और इसके अंदर ये मैंने 2 अंडे तोड़े हैं। अच्छा, ये एक मैं आपको टिप देती चलूँ कि ये जो बैटर है ये आप बना लें, इसको आप चिकन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिश के साथ आप फिंगर फिश बना रहे हैं उसमें भी इस्तेमाल हो जाएगा यही बैटर। इसको बना के रख लें, ना तो ये ख़राब होगा और ना ही इसका टेस्ट जो है ना वो चेंज होगा, ठीक। अच्छा, इसमें ओरिगैनो में सारा डाल देती हूँ। थाइम का टेस्ट ऐसे ही होता है जैसे हमारा ज़ीरा होता है, ठीक है। उसके बाद ये नमक है, नमक मिर्च तो आपकी अपनी मर्जी पर होता है जितना आपको स्पाइसेस पसंद है। ब्लैक पेपर, हमारे तो इधर स्टूडियो में चूंकि बच्चे कोई नहीं, हम जरा इसलिए जरा स्पाइसी रख सकते हैं, स्पाइसी रखेंगे, हम रख सकते हैं स्पाइसी, अदरवाइज आप थोड़ा बेशक मॉडरेट रखें। मस्टर्ड अगर आपको मिलता है तो ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। ये फ्रेंच मस्टर्ड पेस्ट है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हर चीज़ डालनी है, आपके पास घर में ये नमक, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, ये सब चीज़ें तो होती हैं ना, आप बस ये इस्तेमाल करें, इससे ही बहुत अच्छा जायका आएगा। थोड़ा सा सिरका या लेमन जूस जो भी आपको मिल जाए, दोनों में से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिश में सिरका और लेमन जूस बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा इसका टेस्ट उठता नहीं है। अच्छा, ये बैटर देखिए बन गया है, अब ये ज़ाया नहीं होगा बैटर, इसी के अंदर आप चिकन टेंडर्स भी बना सकते हैं। और दूसरी टिप ये दे दूँ कि आप, मैं तो इसको बनाऊंगी ना इसके ऊपर तवे के ऊपर, आप चाहें तो इस बैटर को आप बना के फिंगर फिश बना के डीप फ्राई करें, बेक करें, सब कुछ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये देखिए वेजिटेबल्स भी रखी हुई हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं सॉस भी बनाऊंगी, हम दोनों काम इकट्ठे करेंगे, ठीक है। सॉस के लिए भी हम पर टाइम कम है, हम सॉस बहुत ही इजी सी है, कोई मुश्किल नहीं है, जब तक ये फिश फिलेज हम थोड़े से इसके अंदर रख देते हैं, ताकि मैरिनेट, आप इसको ऑलरेडी 2-3 घंटे पहले मैरिनेट ज़रूर करके रखें ताकि अपना टेस्ट अच्छा सा सेट करे, ठीक है। और ये हम इसको इस तरह कर लेते हैं, इसको आप फिंगर कटिंग में कर लें, नहीं मुझे लगता है ये सबसे अच्छी कटिंग है, अगर स्टेक बना रहे हैं तो उसको जो ऐसे ही रखें ताकि इसमें से एक पीस काटा, फिर थोड़ा सा मैश पोटैटोस लिए, मैश पोटैटोस हमने रखे हैं, बटर मैश पोटैटोस है और साथ में बॉइल्ड कैरेट, अगर आपके
बहुत पतले पतले से बच्चे हैं और हाँ। जो है वेट नहीं गेन कर रहे तो उन्हें बहुत मज़े के भी लगेंगे। और मैश पोटैटोस बहुत मज़े की रेसिपी है, इसके अंदर एक तो ऑयल नहीं यूज़ होता। आप जो पोटैटोस हैं उनको थोड़ा सा बेक करें या उन्हें बॉयल कर लें, उसके बाद उन्हें मैश कर लें, मैश करने के बाद उसमें बटर डाल दें। अगर देसी बटर है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मिसेस अशफाक सुन रही होंगी ना, वो कहेंगी देखो बटर डालने को कह रही है, थोड़ा सा उसके अंदर बटर डाल दें अच्छे से। हाँ, लेकिन देसी इस्तेमाल करें, देसी मक्खन और बच्चों को दें और उसके अंदर हल्का सा ओरेगानो डाल लें तो उसमें बहुत मजे का फ्लेवर आ जाता है। सॉल्ट बटर अच्छी हो जाती है। और मैश पोटैटोस खिलाएं उन्हें। अच्छा, मैश पोटैटोस अब बना के रख भी लें फ्रिज में, एक दो दिन पड़े रहें, वो कौन सा खराब हो जाते हैं? हाँ। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा तरद्दुद से भागते हैं ना, हम कहते हैं क्या अब ये लंबे कामों में पड़े। लेकिन आसान है बनाना, अगर आपका अच्छे से जो है वो पोटैटो बॉयल हो गया ना तो बहुत जल्दी मैश हो जाता है। हाँ। वो कुश्ती उसके साथ करनी पड़ती है जो प्रॉपरली बॉयल नहीं होता बिल्कुल। हाँ। और उसको मैश जितना अच्छा करेंगे मैशर से बॉयल होने के बाद उतना अच्छा क्रीमी बनेगा। उसके अंदर थोड़ी सी क्रीम आप इस्तेमाल कर लें, जो दूध के ऊपर बलाई है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये चिली गार्लिक सॉस जो है ना, ये आप घर पे बनाएं, आप देखिए कितना डिफरेंस होगा घर में और बाजार वाले में। अच्छा, जबरदस्त, बहुत फर्क होगा। हम चिली गार्लिक सॉस ये हम चिली गार्लिक सॉस बना रहे हैं। ये गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन जैसे ही होगा इसके अंदर हमने ये क्रश रेड चिली डालनी है, और क्रश रेड चिली डालने के साथ ही हम थोड़ा सा लेमन जूस या सिरका डालेंगे। उसकी टिप ये है कि हमारी जो चिलीज हैं वो जलनी नहीं चाहिए, अगर वो बर्न होगी जल गई तो फिर जायका सारा बदल जाएगा और कड़वा भी हो जाएगा। ये चला गया इसके अंदर, थोड़ी सी मैं और इस्तेमाल करूंगी मिर्ची, चिलीज। अच्छा, ठीक है। ये देखें, आज आपको पता चल गया पीछे खाली डब्बे नहीं पड़े होते, एक्चुअली चीजें पड़ी भी होती है। ये एक्चुअली हमने रखी भी होती है। सही। और देखें, हमने स्पाइस के डब्बे में ही स्पाइस रखी है। क्या बात है, तो मुझे भी आज पता चला है जी। ये वापस चला जाए, ये वापस चला जाए, ये मेरे उस्ताद मोहतरम के काम है। ये ले जी, अब हमने इसमें डाल दिया लेमन जूस और ये जाएगा इसके अंदर केचप। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। गार्लिक सॉस घर बना लिया, ये आप चिली गार्लिक सॉस घर बना के बस रख लें, इसको इस्तेमाल करें। ठीक है जी, थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि ये मिक्स हो अच्छे तरीके से, यकजान हो जाए। ठीक है, ये आपने बना के रख लिया, बाप इसको इस्तेमाल करें, नूडल्स पे करें, फ्रेंच फ्राइज पे करें, ठंडा होने के बाद आप इसको अपने फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। ठीक हो गया, ये ख़राब नहीं होगी क्योंकि इसमें ख़राब होने वाली वैसे भी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके टेस्ट में और जो मार्केट वाले में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि फ़र्क तो आता है। अच्छा, हम स्टेक फटाफट बना लेते हैं, सॉस आपकी जल्दी से रेडी हो गई है, फिश स्टेक। अच्छा, इसके साथ मैं आपको नेक्स्ट टाइम कभी लेमन बटर सॉस ही बताऊँगी, वो भी मज़े की लगती है, सिर्फ बटर और लेमन। क्या बात है, बस क्या बताए। उसकी मुझे रेसिपी भी बता दीजिएगा, पहले हम कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं सदफ बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप सदफ? प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन अफसोस कि आज आप जो भी कुक कर रही हैं हम लोग देख नहीं सके, लाइट नहीं थी। ओहो। तो अभी जब टीवी ऑन किया है तो पता नहीं ये कुक कर रही थी, मुझे नहीं पता आज इन्होंने क्या रेसिपी है, जरा थोड़ी सी हमें रेसिपी भी रिपीट करें। ठीक है जी, तो पता ही नहीं चला कि इन्होंने क्या बनाया, लाइट अभी आई है, अभी बता देते हैं, परेशान नहीं होना। सदा फर्स्ट फिश स्टेक है। सॉरी, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, डेली मैं देखती हूँ आपका प्रोग्राम। थैंक यू सो मच जी, आप इतनी तारीफ करते, परेशान ना हो, रेसिपी हम रिपीट कर देते। हम बना रहे हैं आज फिश स्टेक विद चिली गार्लिक सॉस, और हमने यहाँ पे क्या, सॉरी, हाँ बिल्कुल होममेड चिली गार्लिक सॉस। हमने यहाँ पे पहले सॉस बनाई है, सॉरी, पहले हमने फिश को मैरिनेट किया है। मैरिनेशन में हमने डाला है अंडा, मस्टर्ड, ओरेगानो, चिली, यही जो हमने मिर्ची जलाई है, मिर्ची जलाई, मैदा, सिरका। बहुत आसान सा है, अंडे धो ले लें, उसमें आधा कप मैदा डालें, बेसन नहीं डालना, और मुझे खुद भी सार लग रहा है ना, उसके अंदर नमक डालें, काली मिर्ची डालें, धाड़ा मिर्च का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा सिरका डालें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं उसके जायके को बढ़ाएंगी। और उसको आप इस तरह से ये एक बैटर बना लें, जैसे पकौड़ों के लिए बनाते हैं, ये नज़र आ रहा होगा आपको, इस तरह से बैटर बना लिया आपने, इसके अंदर फिश मैरिनेट कर दी, कम से कम भी आपने 2 घंटे मैरिनेशन में रखने हैं। उसके बाद हमने इसको तवे के ऊपर कम तेल में इसको हम इस तरह से पकाएंगे। हम एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं, खांसी हमारी बढ़ गई है। हाँ।
वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने ये सॉस घर पे बनानी है तो आपने सारे खिड़की दरवाजे खुले छोड़ के और पीछे से मिर्चें फेंकनी है, वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा अगर ये जो धुआं है ना वो आपके लंग्स में चला जाए। क्योंकि ये कोई ना कोई ट्रिक अभी मैं हिना से पूछूंगी कि क्या है जिससे जो है ये लगे ना गले में, है ना? बस ये है कि हिना को सजा हम बाद में देर निकली। असल में ये हमने इसलिए रखा हुआ कि अगर आपके घर में कोई दुश्मन आ रहे जिनको आपने बिल्कुल चटपटा खाना खिला किचन में लेके ताकि वो लड़ ना सके आपसे, तो आपने उनको ये सॉस बना के खिलानी है। ये असल में जब हमने रेड चिली डाली है ना तो उसके बाद सिरका डालने में हमने टाइम लगाया। हाँ वो एग्जैक्टली फॉरन साथ डाल दिया जाए ना, उसी टाइम डालते जलनी नहीं चाहिए मिर्चे जब जल्दी चले, नजर ही उतर गई होगी इसी चक्कर में। ये बात है ना। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे द वेरी वेरी ब्यूटीफुल मिसेस हशमत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या इस्तेमाल करती हैं आप अपनी स्किन पे, या आप कैसे दिन ब दिन जवान होती हैं? हर जुमे आपको देख के मैं जवान हो जाती हूँ। मेरा एक बड़ा फेवरेट ब्रांड है, मैं उधर गई तो वहाँ पे वेलवेट की कलेक्शन आई हुई थी और मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस वेलवेट को देख के। मतलब मैं मुझे बड़ा पसंद है वेलवेट, लेकिन बड़ा ट्रिकी होता है। मतलब अभी ये बहुत अच्छा लग रहा है, सो जैसे ही मैंने वो देखा ना मैं उठा के गई, मैंने पहना, मैं पहन के बाहर आई हूँ तो मेरी दोस्त मुझे कहती है सुंदर जब हम ईद पे तैयार नहीं होते थे बचपन में और कहते थे अगर तुम रेड कलर की सुर्खी लगा लो ना यहाँ पे अपने चीक्स के ऊपर और चूड़ियां पहन लो और एक बिंदी लगा लो तो बिल्कुल गांव में बच्चे नहीं तैयार होते ईद पे, तो वही वाला जो है ना जगह। वेलवेट इज वेरी ट्रिकी, इट कैन लुक वेरी गुड एंड इट कैन लुक वेरी ऑफ अगर आप इसके साथ जो है ना प्रॉपरली प्ले ना करें। और हमें ज्वाइन किया ब्यूटीफुल सारा जो माई मॉडल है आज, कैसी हैं? ठीक है बहन, लग रही है अब उनके आज अपने जो कलर्स पहने हुए ना बिल्कुल एक जैसे। हाँ अच्छा उशी मैं सच में पहले बताया कि गले में मिर्ची लग जाए तो क्या करना चाहिए? चाय या कॉफी पी लें, थोड़ा सूदिंग होता है। ठीक है आप जल्दी से एक सिप ले लें। मैं यही करती हूँ, आप मुझे बताएं खुशी कि आज हम मैंने बताया कि हम लोग एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक जो ऑलरेडी है उससे हम डिफरेंट चीजें बताएंगे। यस ड्रेस जो है हमारी, तो वैसे आज हमें दो ड्रेसेस डिस्कस करने थे, अगर टाइम हुआ तो हम सेकंड हाफ में लहंगा डिस्कस करेंगे। और जो अभी हमारे पास ड्रेस है वो आप लाइक पार्टी वेयर किसी भी इजीली आप कैरी कर सकते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा शिमरी है, ना इस पर बिल्कुल काम भी नहीं है, एम्ब्रॉयडरी के साथ एक फैब्रिक है, उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो फर्दर हम। ठीक है मैं सुनाती हूँ, पहले मैं कुछ सवालात में से सचमुच से पूछूँ, मुझे पता है बहुत लोगों को इंतज़ार होता है। सबसे पहले हमसे पूछ रही हैं सुमैया रावलपिंडी से कि मेरे हस्बैंड की किडनी में 4.5 mm पथरी हो गई है, क्या पथरी बिना मेडिसिन के, बगैर मेडिसिन खाए किसी देसी टोटके से ठीक हो सकती है और ये क्यों हो जाती है? अच्छा ये पथरी असल में पत्थर नहीं होते। अच्छा। ये डिपॉजिट होते हैं कैल्शियम या हमारे ऑक्सोलेट बन जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हो जाते हैं आस्ता आस्ता, फिर जब हम पानी कम पीते हैं और एक दफ़ा पथरी बन जाए तो ये किडनी को एक आदत हो जाती है, फिर बार बार बनती है। किडनी से पथरी निकालना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह कि आपकी किडनी दोबारा पथरी ना बनाए। सही। और जो लोग कम पानी पीते हैं, चिकनाई ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनकी ये चीज़ यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उनकी पथरियाँ बनती हैं। अच्छा सही, तो बगैर मेडिसिन के ये ख़त्म हो सकती है? बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। तो क्या उसका टोटका बता? साइज़ के ऊपर है, इनका साइज़ तो इतना बड़ा नहीं है, जिनके बड़े होते हैं वो तो फिर लाजमी ऑपरेशन कराएंगे, जिनके साइज़ कम होते हैं, अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है तो गाजर का जूस सुबह नहार मुँह पीना होता है। ठीक है ये गुर्दे की पथरी निकालते हैं, फिर पानी इसमें ज़्यादा मैटर करता है। वो उसके बनाने का तरीका है जो बहुत डायोरेटिक है, जो हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड यूरिक एसिड हर एक चीज़ निकालती है और डायोरेटिक भी है। डायोरेटिक इसे बोलते हैं जिससे हमें ज़्यादा पेशाब आ जाए ताकि हमारी किडनी फ्लश करे। कद्दू की डंडी ये हमारी किडनी का फिल्टर साफ़ करती है, किडनी एक फ़िल्टर है, जब आपका फ़िल्टर साफ़ होता है तो वहाँ पथरी या रेत वगैरह रह ही नहीं सकते। सही। अच्छा इसके बनाने का तरीका, एक कप जौ, 3 जग पानी, 3 डंडी कद्दू, 3 इंच अदरक, 1 चम्मच दारचीनी का पाउडर, यूटीआई के लिए दारचीनी बहुत अच्छा होता है। सही। ये आप 3 जग में उबाल लें, 2 जग रह जाए तो आप सारे दिन में इसको ख़त्म कर लें। और वॉक ज़रूर करें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा आपको पानी बताते हैं और आप बैठे रहेंगे तो उल्टा फ़ायदे से नुकसान हो जाता है, बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाती है। सही। जिनका वेट ज़्यादा होता है ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है, वेट भी कम हो जाता है और आपकी किडनीज भी साफ़ हो जाती हैं। किडनीज भी साफ। हाँ और सुबह नहार मुँह अगर आप 1 कप जूस पिए इसका, गाजर का नहीं, गाजर भी अच्छी है, मूली का, ये आपकी पथरी निकालती है।
प्याज आपकी बॉडी से पथरी निकालती है। ये हमारे जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं इसमें सब एक भी बेकार नहीं है। ये अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल कर लें और एक महीने के बाद अपना अल्ट्रासाउंड करके देखें इंशाल्लाह आपकी पथरी नहीं होगी। लेकिन पथरी निकालना मैंने पहले भी बताया कोई बड़ी बात नहीं है, आसान चीज़ें पथरी निकल जाती है। एक पत्ता होता है जिसे कहते हैं पत्थर चाट, मुझे पता होता तो मैं ले आती, हमारे घर में भी लगा हुआ है, वो खाने से भी पथरी निकल जाती इसलिए इसका नाम है पत्थर चाट। अच्छा। और ये इतना मज़ेदार होता है, डाइजेशन भी करता है और ये खुद जंगली है, निकल जाता है, निकल आता है ज़मीन से। और अगर आपके पास नहीं है कि कोई पत्ता भी ज़मीन में डाले तो वो भी ग्रो कर लेता है, तो आप ये भी इस्तेमाल करें तो आपकी पथरी निकल जाती है। पथरी जब निकल जाए, आपकी किडनीज बिल्कुल साफ़ हो जाए अल्ट्रासाउंड के बाद, फिर सारी ज़िंदगी के लिए एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, ऑर्गेनिक हो इम्पोर्टेड, और एक चम्मच सौंफ अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको कभी दोबारा पथरी बनने का अमल ही रुक जाता है, नहीं रुके, नहीं बनेगी। जबरदस्त, मतलब आपका जो किडनीज है वो साफ रहेंगी, फिल्टर जो है वो प्रॉपर काम कर रहा होगा, इसका मतलब कि दोबारा पथरी जो है नहीं वो नहीं बनेगी। ठीक है जी, अगला सवाल है सारा चकवाल से पूछती हैं, ये आप तो नहीं है सारा, सारा चकवाल से पूछती हैं, मेरी सांस में रुकावट आती है, अगर कुछ सोच रही होती हूँ तो सांस लेना कुछ सेकंड्स छोड़ देती हूँ। ऐसी खौफनाक बातें मत सोचा करें ना, कुछ सेकंड्स छोड़ देती हूँ फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती हूँ, मुझे इस मसले की समझ नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही, शायद मैं सचमत को आ जाए। ये तो डिप्रेशन है। आप वॉक करें सुबह शाम, अपना नमाज पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, आपको कुछ भी नहीं होगा। इन केस जिनको अगर सांस रोकने की तकलीफ़ हो वाकई में, तो बहुत आसान सी बात है, प्याज का पानी एक चम्मच, शहद एक चम्मच और ये खाने वाला सोडा चौथाई चम्मच मिक्स करके चाट लें। अच्छा। आपकी सांस ऐसी बहाल हो जाएगी जैसे इनहेलर करते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, दोबारा बता दीजिए एक दफ़े क्या था। शहद एक चम्मच, ठीक है, प्याज का पानी एक चम्मच, ये और टेबल स्पून की बात करें, टीस्पून छोटा, ठीक, टेबल भी बना ले तो कोई बात नहीं, एक दिन में ये आप फ्रिज में रख सकते हैं, एक दिन के बाद फेंक दें फिर नहीं इस्तेमाल करें, ठीक है। और सोडा कितना है? वन फोर्थ, ठीक है, एक चौथाई जो है आपने टीस्पून का उसमें सोडा डालना है, और ये दो चीजें, ये मैंने इसका काफी आजमूदा फॉर्मूला है, बिल्कुल, जितने एस्मा पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये काफी होता है। अच्छा जी, और बाकी प्लीज मैं हमेशा कहती हूँ कुछ चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ दें, खुद ही ठीक हो जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में इंसान वाकई कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी सेहत ख़राब कर सकता है, सोच सोच के अपनी सांस बंद कर सकता है, लेकिन उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता। तो अल्लाह ताला पे भरोसा करें, दुआ करें, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और मेंटल जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं हमेशा जो है उन्हें रद्द नहीं करना चाहिए, अगर ये डिप्रेशन है, अगर ये एंग्जाइटी है, अगर ये पैनिक अटैक्स है, इसे एड्रेस करें और प्लीज़ हेल्प ज़रूर सीख करें, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को एड्रेस नहीं कर रहे होते तो फिर वो फिज़िकल तरीके से जो है फिर पसीना आना या दिल की धड़कन तेज़ हो जाना या सांस ना आना या बग़ैर किसी वजह के जो है एकदम से आपको लगता है कि दिल घबरा रहा है, तो ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, दैट्स बिकॉज़ आप अपनी इमोशनल वेलबींग का ख्याल नहीं रख रहे होते। तो प्लीज़ किसी से डिस्कस कीजिए, एंड इफ़ यू कैन कंसल्ट समवन, टॉक टू समवन, ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाए। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं सायरा बात कर रही हूँ। जी सायरा, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा 3 माह का बच्चा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि काले यरकान की वजह से बच्चे को दूध ना दे सकते, तो दूध दे सकें कि नहीं दें? बिल्कुल दे सकते हैं, काले यरकान की वजह से हेपेटाइटिस सी। अच्छा, बिल्कुल दे सकते हैं। आप इन्हें और कुछ पूछना चाहेंगी, इसका हम आपको बता देते हैं, जवाब देते हैं। आई थिंक उन्होंने यही पूछना था। जी, अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है, माँ को कुछ भी हो सिवाय ये कि सीने की टीबी ना हो, क्योंकि ये सांस के ज़रिए लगती है, बच्चे को कुछ नहीं होता, आप अपना दूध दे सकते हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आई, बच्चे को काला यरकान नहीं, नहीं माँ को, माँ को ये आपको समझ, ज़रा बताइए मुझे, उन्होंने क्या कहा कि माँ को है, माँ को है, अच्छा ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि दूध नहीं देना आपने, तो दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है जी, ठीक। और अपना और इनको भी इलाज बता दीजिए कि अगर हेपेटाइटिस सी वायरस ऐसा है कि एक दफ़ा अगर आपके लिवर में आ गया तो वो जाता नहीं है, लेकिन वो खामोश रह सकता है ग़िज़ा की वजह से। अच्छा। कि हम अगर अपनी ग़िज़ा सही रखें, लिवर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय इसके कि उसको आराम देना है। आराम क्या देना है कि चिकनाई काम कर लें, गोश्त काम कर लें, हैवी ग़िज़ाएँ काम कर लें और लिक्विड ज़्यादा लें। लिवर मांगता है ग्लूकोज। अच्छा।
तो अभी जो मौसम आ रहे, गन्ने का आ रहे, गाजर का आ रहा है, सिट्रस फ्रूट, ये सारा हमारे लीवर के लिए बेहतरीन है। सही। ये इस्तेमाल करें। एक ख़ास चीज़ है हर्ब में, वो है कासनी के बीज। अच्छा। चाहे किडनी का प्रॉब्लम हो चाहे लीवर का, रात को एक टेबलस्पून भिगोएं, सुबह नहार मुँह छान कर पी लें। इसके लिए हदीस शरीफ है कि खुदा की खुदाई में सबसे स्ट्रांग सोर्स है विटामिन सी का, और इस दुनिया में उसके ऊपर जन्नत के कतरे आते हैं। ये पैदा होता है हमारे, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, पश्तो में इसको शवताल कहते हैं, ग्रास, जो माल खाते हैं। माल बीमार नहीं होता तो इंसान कैसे बीमार हो सकता है, और ये भी जंगली है, खुद पैदा होता है। सही। तो ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपकी ट्रीटमेंट, अपनी ट्रीटमेंट ज़रूर कराइएगा, इसको इग्नोर मत करें। हेपेटाइटिस सी इज़ वेरी वेरी डेंजरस, तो इसका आपने इलाज जरूर करा लें। ड्रेस हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप आगे आ जाएँ। आइए आइए आइए, इधर आ जी खुशी। सुंदर सी, इसके साथ इसमें हमने सिंपल प्लेन फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, इसमें कोई भी काम कहीं पे भी यूज़ नहीं ये हमने किया है। एज इट इज़, यस दिस इज़ सैटन सिल्क, बिकॉज विंटर्स आ गए हैं, थोड़ा सा सीजन चेंज हो गया, रात में ठंड हो जाती है, और जो फंक्शंस हैं वो नाइट में ही प्रेफर किए जाते हैं। तो सैटन सिल्क इज़ द बेस्ट फैब्रिक जो आजकल हम फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, सिर्फ बॉर्डर डिज़ाइन पर हुई थी, उसको बॉर्डर डिज़ाइन वाले फैब्रिक को हमने यूज़ किया हुआ है। सिंपल अंदर गोल्ड के शिमर का हमने स्लिप दी है, इनर दिया हुआ है, और ऊपर मैचिंग उसके साथ गोल्ड में एजिंग दे दी है, और ब्लू कलर है विद द गोल्ड, इट्स बेस्ट कंट्रास्ट, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एम्ब्रॉयडरी जो है वो बहुत कलरफुल है, बहुत सारे कलर्स इसमें यूज़ हैं। सो इसके साथ हमने स्ट्रेट क्यू लॉट दे दिया है, और इसके अगर आप एंड्स में देखें तो बॉर्डर डिज़ाइन में इसमें सितारे का काम हुआ है, लेकिन वो इतना डल गोल्ड में है कि वो बहुत ज़्यादा शाइन नहीं कर रहा, शिमर नहीं कर रहा। सो इसके अंदर हमने स्लीव्स पर भी बॉर्डर डिज़ाइन दे दिया है, इनके पैंट्स पर भी बॉर्डर डिज़ाइन दे दिया है कि वो थोड़ा बैलेंस्ड लगे, कि अगर पैंट्स बिल्कुल प्लेन हो जाएंगे तो वो बिल्कुल ऑड लगेगा कि शर्ट में काम है और उसमें नहीं है। सो जिन लोगों को काम नहीं पसंद, जो काम नहीं प्रेफर करते, जो काम नहीं पहन सकते, उन्हें इरिटेशन होती है, वो ये ड्रेस इजीली कह रहे हैं। और ये बनाना भी आई थिंक सो इज रिलेटिवली इजी और जल्दी बन जाएगा, इजी एंड वेरी रीजनेबल, बजट में बहुत लाइक रीजनेबल है, इजीली आपके बजट में अफोर्डेबल है, आपको कोई भी ज्यादा पैसे स्पेंड, बिकॉज लास्ट टाइम हमने थोड़े काम वाले ड्रेसेस डिस्कस किए थे, सो इस वीक हम वो डिस्कस करें जो आपके बजट में भी बहुत रीजनेबल, बजट में जो आ जाते हैं। तो आपने सिर्फ एक फैब्रिक ऐसा उठाना है जो आपको पसंद है, कलर पसंद है, कॉम्बिनेशन पसंद है, और उससे जो आप ये कट बना दें। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इसी तरह फैब्रिक यूज करके आप लहंगा कैसे बना सकते हैं अगर आपने ज्यादा फैंसी होना है। छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ। वेलकम बैक टू मेरी एक्टिव मॉर्निंग। हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, और क्या खूबसूरत शॉट बनता है जी रेसिपी का, हमेशा और लजीज लगना शुरू हो जाती है ना। मैंने फाइनली लजीज कहना शुरू कर दिया, मैं बचपन से लजीजा कहती थी कि जी लजीजा लगती है ना, लजीजा, मुझे यहाँ पर सर कहिए लजीज वर्ड होता है ना, ऐसा ऐसा मुझे उर्दू भी सारी आ गई है जी, आपने मुझे कर दिया है पक्का उर्दू पठान से ऐसे जी। सवाल अगला मैं पूछती हूँ, ज़ाहरा रहीम यार खान से पूछ रही है, स्मॉग की वजह से बच्चे बहुत तेज़ी से बीमार हो रहे हैं, प्लीज़ कोई एहतियाती तदाबीर बता दें जिसमें उनको इन्फेक्शन से बचा सके। अच्छा मेरी बहन, हमने इसके ऊपर जो है पूरा प्रोग्राम किया है कि स्मॉग से आपने किस तरह अपने बच्चों को बचाना है, लेकिन फिर भी अगर जो है आप ये पूछना चाह रही हैं कि जो लोग इसकी वजह से इफेक्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से खांसी हो गई है, ज़ुकाम हो गया है, तो उस तकलीफ को आराम देने के लिए क्या बता सकते हैं? एक तो अदरक, अनार का छिलका और दालचीनी, तीन चीज़ें हैं। अच्छा। ये एक एक इंच ले, बग़ैर स्मोक के भी अगर किसी को ज़ुकाम हो, बुखार हो, सीना ख़राब हो, वजूद में दर्द हो, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बेहतर है। इसका कावा बनाना है? कावा बनाना है, इसका कावा बना लें और शहद मिक्स करके आप बच्चों को भी पिलाएं, ख़ुद भी पिएं। कोशिश करें कि इन दिनों में आप थोड़ा सा अपने कमरे में कोई इलेक्ट्रिक केटल हो या कोई ऐसी चीज़ हो, उसमें पुदीना डाल के वो कर लें, भाप दें, बिल्कुल स्टीम स्टीम करें ताकि मॉइस्ट हो। नाक में लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी है, आप वो करें। सही। बच्चे तो मास्क नहीं लगाते, अगर वो बाहर निकले तो हो सके तो मास्क भी लगा दें ताकि थोड़ी सी बहुत इनकी बचत हो। शहद में दालचीनी का पेस्ट, मैं हमेशा बोलती हूँ,
वो आपने लाजमी देना है ताकि उनकी इम्यून सिस्टम कुव्वत मुदाफियत इतना हो कि वो बर्दाश्त करे इन चीज़ों को। सही, तो ये सारी सर्दियाँ करें और सूप ज़रूर देना है, उसमें बंद गोभी और प्याज ज़्यादा डालें, वो सीने को साफ कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हम फैंसी फ्रेंच अनियन सूप जिसे कहते हैं ना, उसमें exactly, भी जी, जी, यही चीज़ें होती हैं और वो होता भी ज़रा सीने को साफ करने के लिए है, तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा जी, आपका वैसे रिसेंटली चक्कर लगा है लाहौर या कहीं? नहीं, ये डिजाइनर्स जो होते हैं ना वो अक्सर वहीं पे होते हैं, तो आजकल तो जो भी लाहौर से आ रहे हैं मैं कह रही हूँ हाँ जी क्या तबीयत है, क्या हाल है, यू नो कैसे हो रहे, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज्यादा स्मॉग है, उधर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हमारे साथ एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज ये अजरक स्टाइल डिजाइन में आपकी शर्ट अच्छी लग रही है। क्या क्या अजरक का डिजाइन लग रहा है ना, कितना खूबसूरत, ऑल क्रेडिट टू माई मदर, ये उनकी चॉइस है। अच्छा, इनकी आवाज़ थोड़ी ऊंची कर दे, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक आपकी सारी टीम को और सब सुनने वालों को। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और मिसेस हशमत को सलाम, और उनसे ये पूछना था कि इन्होंने जो एक दालचीनी और शहद का मिक्सर बताया हुआ है, तो उसमें क्वांटिटी क्या है वो बता दें। क्वांटिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी डालनी है? जी दोनों की कितनी कितनी क्वांटिटी। और शेफ हिना चली गई हैं या अभी हैं इधर? आप पूछिए, हम बता देंगे आपको। पूछ के क्या पूछना चाह रही हैं? असल में उनसे मैं एक ओवन के बारे में डिस्कस करना चाह रही थी, ये जो बेकिंग वाला ओवन होता है। अच्छा, तो वो मैंने मार्केट में देखे, दो तरह के डिजाइन है ना उसके, उसमें एक तो बिल्कुल बंद है, जैसे वो बिल्कुल जैसे ओवन बंद होता है, तो एक दूसरा स्टाइल डिजाइन में है वो, उसके ऊपर जो उसकी छत है ना वो खुली हुई है, उस पर ट्रे रखी हुई है ना। अच्छा ठीक है, जैसे तो बेकिंग ट्रे होती है ना अंदर रखने, वो उसी तरह ओपन है छत वाली जगह पे से, और उसके ऊपर भी ट्रे रखी हुई है। अच्छा। उनसे ये डिस्कस करना था कि दोनों में से कौन सा सही वाला है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने मार्केट में सारा विजिट किया है तो। चले मैं उनसे पूछ के आपको, ये समझ नहीं आई कि वो ऊपर से ओपन क्यों है, उसमें ट्रे क्यों रखी है। मुझे ज्यादा पता नहीं, पर जितना मुझे पता है जितने भी ओवन्स होते हैं दो फंक्शंस के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर ग्रिलिंग का ऑप्शन भी होता है, कि उसके अंदर एक जो है इस तरह बार सा होता है, रॉड सा होता है, उसके ऊपर आप कोई भी चीज ग्रिल कर सकते हैं जो गोल गोल घूमता रहता है, उसमें पूरे पूरे चिकन ग्रिल होते हैं, तो वो ओपन भी हो सकते हैं और वो बंद भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर चारों साइड से हीट आ रही होती है और वो घूम रहा होता है। लेकिन जो बेकिंग के जितना भी सामान है वो यूजुअली सारा बंद होता है, इसमें कुकीज बनाने हैं आपने, इसमें अपने केक शेक बनाना है, वो चारों साइडों से बंद होता है। तो अगर तो वो सिर्फ ग्रिल स्पेसिफिक है, आपने देखा होगा ना कभी बारबेक्यू भी आप कर रहे हैं, वो सब कुछ भी ग्रिल हो रहा होता है, सो इट्स ओके कि उसकी स्टीम निकल रही है, डजंट मैटर। और फिर ऊपर जो ट्रे होती है वो उसे गर्म रखने के लिए होती है, इतना अंदाज़ा मुझे है। लेकिन प्रॉपरली मैं हिना आती है उनसे पूछ के जो है आपको बता देती हूँ कि आपको कौन से वाले में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए है। ये मुझे पता है कि जो बंद वाले ऑप्शन होते हैं उसमें दोनों ऑप्शंस भी आते हैं, ग्रिलिंग भी हो जाती है, उसमें कुकीज भी बन जाते हैं, तो अच्छा ऑप्शन तो हमेशा वो होता है जो सस्ता होता है और मयारी होता है, तो उसको देख के जो है ना फिर आप बताइएगा। लेकिन आई गिव दिस क्वेश्चन टू हिना और फिर आपको सही जवाब मिलेंगे। अच्छा जी, इन्होंने मुझसे सचमुच से पूछा था दालचीनी का अच्छा, पेस्ट और उसका। हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ इसका कोई वो नहीं है, रेशो नहीं है, सही, इसलिए कि बाज शहद पतला होता है, बाज नरम होता है, पतला होता है, बाज गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है। तो आप सिर्फ अंदाजे से आप डालेंगे, उसमें चमची चलाएं कि ना बहुत गाढ़ा हो ना पतला हो, स्प्रेड हो जाए, ठीक है। और इसकी कमी बेशी कोई बात नहीं है, खुराक की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो अपनी मर्जी से उसके अंदर आप मिक्स कर दें, और बस ये होना चाहिए कि दालचीनी और शहद दोनों मौजूद, जब आप बोतल में रखेंगे तो खुद ही सारी दालचीनी ऊपर आ जाती है, इस्तेमाल के बाद फिर भी इस्तेमाल के वक्त आप उसमें चम्मच, हाँ, ताकि वो पूरा जो है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैंने कल भी कॉल मिलाने की कोशिश की मगर मेरी नहीं मिली कॉल। ओहो, आपकी तबीयत ठीक है? जी, आपकी आवाज़ से ऐसे लग रहा है। हाँ, मेरी आवाज़ ज़रा सा गला ख़राब हो रहा है मेरा, गला ख़राब हो रहा है। अच्छा, तो मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे थायराइड का मसला है। अच्छा, हाइपर है कि हाइपो ही दो होते हैं? हाइपो है, हाइपो थायराइड है, ठीक है। और आपकी एज और वेट क्या है? मेरी 52 एज है और मेरा 180 वेट है। सही, हाइपोथायराइड भी तो है। मैं पूछी थी किसके लिए क्या केयर करनी चाहिए? 180 किलो है या पाउंड है?
ये बता दे 180 पाउंड्स है कि केजीस? 180 पाउंड फिर ठीक है, मैं भी कहूँ 180 केजीस ठीक है सही। आप कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं ठीक। अच्छा इसका इलाज तो सिर्फ ये है कि डॉक्टर ने इसको दिया होगा जो भी टेबलेट दी होंगे उसके तो हम नाम नहीं ले सकते, वो इस्तेमाल करेंगी। हर में मैं खुद एक दवाई बनाती हूँ। अच्छा। जो वो मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि उनका रेशो ऐसे होता है अगर कोई कमी बेशी हो जाए तो नुकसान करती है। अच्छा। फूड में थायराइड के जितने भी पेशेंट हैं उनको चाहिए कि फिश बंद गोभी ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, फिश और बंद गोभी ज़्यादा और वॉक ज़रूर करें। सही। हाँ, और ऐसे लोग अगर ये फाके भी करें तो वेट कम नहीं हो सकता जब तक इनका थायराइड नॉर्मल फंक्शन ना करे, उसकी वजह से वेट बढ़ जाता है। सही। ठीक। हाइपोथायराइड इज जिसके अंदर आप वेट गेन करते हैं या हाइपरथायराइड वो होता है जिसमें गेन करते हैं? कभी कभी इसमें भी हो सकते हैं, कभी उसमें भी हो सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। आपने करना ये कि जो आप मेडिसिन बता रही हैं जो खुद बनाती हैं, अगर कहाँ से बात करें, बाद विजिट कर दें या अगर आप जो है किसी को भेज सके मिसेस अशमत के पास तो आप भेज दें ताकि आप एक महीने का कोर्स है। अच्छा। और अपने डॉक्टर को भी अपना रिपोर्ट जरूर दिखाएं। सही। कि नॉर्मल होगी या नहीं। ठीक है, तो आप क्योंकि मेडिकल ये नॉर्मल नहीं होता, सारी उम्र इनको थायरेक्सिन लेनी पड़ती है। अच्छा सही, लेकिन वो भी बड़ी केयरफुल लेनी पड़ती है। आई नो समवन, आई डोंट नो कि वो डायरेक्ट कॉज थी कि नहीं, बट वो थे अपनी इसी तरह अर्ली 50s में 52-53 और डॉक्टर के पास गए, बताया, उन्होंने कहा अच्छा थायराइड का मसला है और ये जो एक बड़ी बहुत कॉमन टैबलेट है ये जो अवेलेबल होती है और बाहर मुल्कों में तो ये 40 के बाद वैसे ही देना शुरू कर दे, तो उन्होंने वो टैबलेट दे दी और वो कुछ अरसे बाद आपको इंक्रीज़ करनी पड़ती है। पहले आप एक लेते हैं, फिर आप दो लेते हैं, फिर तीन और मैक्सिमम चार होती हैं और उसकी वजह से बिकॉज वो इतनी ज़रूरत नहीं थी तो उनका लिवर के ऊपर इतना असर हुआ, देन ही गॉट हेपेटाइटिस। तो ये आपने बहुत केयरफुली, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपका कोई फैमिली डॉक्टर है, हैव अ फैमिली डॉक्टर जिसको आपकी सारी हिस्ट्री पता हो या फिर एटलीस्ट दो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट किया करें बिफोर यू स्टार्ट अ मेडिसिन जिसके इस तरह के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और दूसरा ये कि हर महीने चेक कराने कि अब कितना हो गया, अब आपको मेडिसिन की ज़रूरत कितनी है, ये अगर है भी कि नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो कंट्रोल कर रहा है, वो ऊपर नीचे कर रहा है, सो यू हैव टू ऑल्टर योर मेडिसिन, तो ये ज़रूर चेक करें। मेरे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। मैंने ना डॉक्टर साहब से बात करनी है, इन्होंने भी बताया है ना कि शहद और दालचीनी का किसके लिए बताया, किस चीज के लिए उन्होंने बताया? कुव्वत-ए-मुदाफ़त बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी ताकि आपकी अच्छी हो, आपको वैसे ही खाना चाहिए बगैर किसी भी। मुझे मसल्स का ना खिंचाव बहुत रहता है जी, कुछ मसल्स का खिंचाव बहुत ज्यादा रहता है ना, बहुत ज्यादा। अब वॉक करती है? वॉक भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन मसल्स फिर भी मेरे कंधे टाइट रहते हैं ना, पेन करते हैं। अच्छा, कंधों में स्पेसिफिकली? सिर्फ कंधों में होता है? हाँ जी, सिर्फ कंधों में। अच्छा, और गैस का मसला मुझे बहुत ज्यादा है ना। अच्छा हाँ जी, वो मैं डॉक्टर साहब से पूछती थी, कुछ मुझे बता दें। आप बंद कर लें, हम आने यार आपको जवाब देते हैं। ये जो कुछ बता रही है ये सारा टेंशन है। पेट को हम छोटा दिमाग कहते हैं, गैस भी उसी की वजह से बनती है क्योंकि IBS हो जाता है, उसकी वजह से गैस बनती है। इसके ये एक्सरसाइज अगर ये करें और हर खाने से एक घंटा पहले तीन अंजीरें, ना गैस होगी ना उनको पट्टों का खिंचाव होगा जैसे कहते हैं। ये जो मेरे दो कंधे हैं इनको यूं हिलाना है जैसे ये दोनों हिलाइए और उसके बाद तीन दफ़ा सलाम फेरे ऐसे करके, फिर अपनी मुट्ठी बंद कर लें और हाथ ऊपर कर लें। जितना आप हाथ ऊपर को स्ट्रेच करेंगे, जितनी मुट्ठी को जोर देंगे, लेकिन सांस लेके यूं जब सांस टूटने लगे तो हाथ नीचे कर लें। आप तीन दफ़ा आप खुद भी कर लें तो आप खुद को रिलैक्स महसूस करेंगे, क्योंकि आपने कभी सोचा भी नहीं कि हम पूरी सांस भी नहीं ले सकते, हमारी बॉडी में पूरा ऑक्सीजन भी नहीं जाता। बैठे हुए हम बातें कर रहे हैं लेकिन जी ऐसे सांस कभी नहीं लिया कि हमारा गहरा सांस, गहरा सांस ताकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आ जाए। ऑक्सीजन की वजह से दिमाग तक ऑक्सीजन चला जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, ये कंधे रिलैक्स हो जाते हैं, तो बस पट्टे खिंचाव विचाव सारा खत्म हो जाता है। सही। 5 से 11 पत्ते सुबह नहारम और शाम चाय के टाइम आप तुलसी के ज़रूर लिया करें, जिसको नियाज़बो बोलते हैं, ये भी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं। आपने ये ट्राई जरूर करना। और ये वाकई उस दिन याद है मैं आपको कह रही थी मेरे शोल्डर में पेन हो रही है और मैंने उसी वक्त बैठ के ये एक्सरसाइज की और आपको कंसिडरेबल आराम आ जाएगा, मतलब उस वक्त अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो वो कम हो जाती है उसकी शिद्दत। तो मेरे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरा क्वेश्चन ये कि फेस वैक्स के बारे में मैं कल भी कॉल करती थी, मैंने पूछना था।
कि मेरे बाल जो है फेस पे मोटे नहीं है लेकिन बारीक बारीक बाल पूरे फेस में, तो ब्लीच करना बेहतर है या वैक्सिंग करवाना? दोनों खतरनाक मेथड्स बताए हैं आपने मुझे, ब्लीच या वैक्सिंग? पतले पतले मतलब जैसे रुआ रुआ सा होता जी जी, रुआ लेकिन ज्यादा रुआ मतलब कि पूरे फेस पे नेक पे इस तरह। कितने अरसे से ब्लीच कर रही है या वैक्स कर रही है? मैं रेगुलर तो नहीं हूँ लेकिन उस वही कट जब भी करनी हो वही कट दी, क्योंकि उसके अलावा फिर जो कलर जो है डल लगता है क्योंकि बारीक बारीक मतलब बालों से फिर कलर डल लगता है। ठीक है, पहले मैं मिसेस अशमत से पूछ के आपको बताती हूँ और फिर मैं मुझे जो पता है मैं बता दूंगी। जी मिसेस अशमत, जो मुंह के ऊपर ये हल्के हल्के से, मैं तो हमेशा मना करती हूँ कि आपने छेड़ना नहीं है, एक दफा छेड़ गए फिर जो अमल किया वो करते रहो, क्योंकि छेड़ उसके बाद फिर मोटे हो जाते हैं। सही, जो बाल होते हैं आपके पहले वो पतले होते हैं। अच्छा, और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि इसे छेड़ा ना जाए। लूफा बॉडी शॉप में लूफा मिलता है और हमारे गांव में जगह जगह ये पड़ा होता है, ये तोरी का जो ड्राई, उसमें थोड़ा सा साबुन या शैम्पू डालें जब आप वजू करें या मुंह धोएं तो आप इसे धोया करें, साल छः महीने लगते हैं वो खुद ही झड़ जाते हैं, खुद ही झड़ जाते हैं। ये बिल्कुल ये नेचुरल, हाँ बिल्कुल, हाँ वो बताया क्योंकि ये इसको ऑर्गेनिक लूफा कहा जाता है और हमारे गांव में हमेशा वो जो तोरी है ना उसके अंदर ये बच्चों को भी नहलाते हैं, बर्तन भी उसे धोए जाते हैं, जगह जगह पड़ा होता है, जगह जगह पड़ा। तो अगर आपको वो मिल जाए, अगर यहाँ पर नहीं है तो आप जाके कहीं से खरीदें। वैसे जब तोरी सूख जाती है तो उसको जब आप तोड़ते हैं तो उसके अंदर से ये जो है निकलता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। हाँ, तो हाइजीनिक भी है। बहुत ज्यादा, आपने कुछ अरसा यूज किया उसके बाद यू हैव टू थ्रो इट अवे। एक और चीज जो आप कर सकती हैं कि बेसन, अगर आप, आई डोंट नो आपकी स्किन टाइप किस तरह की है, लेकिन अगर आप बेसन रख लें और हफ्ते में दो दफा, वैसे तो रोज भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ड्राई आउट नहीं करनी तो आप थोड़े जो है बेसन के अंदर पानी डालें, उसको मुंह के ऊपर रखें। व्हाट इट डज, ये लूफा भी है ये कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और आपका जो रुआ होता है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद झड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन सुंदर, जिसने एक दफा ये एक दफा भी किया हो, इन्होंने तो कितने दफा किया होगा, फिर कोई चीज असर नहीं करती क्योंकि वो बाल मोटे हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोटे हो जाते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ब्लीच का, कल मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेज़र अफोर्ड नहीं कर सकते, कभी कभी फंक्शन पे ब्लीच करना है, स्पेशली अपनी शादी पे अगर करना है, मतलब बिल्कुल ही मैं कह रही हूँ मजबूरी है कि अब स्किन जो है वो करनी है, तो प्लीज़ उसके अंदर बहुत सारे सेफ, वो सेफ तो फिर भी नहीं होगी पर कम हो जाएगी उसकी, कि एक लेयर जो है अपनी स्किन के ऊपर आपने किसी भी मॉइस्चराइजर की लगानी है, थिक मॉइस्चराइजर, जिस तरह होती है ना वो क्या, पेट्रोलियम जेली जो होती है, पेट्रोलियम जेली फेस के ऊपर लगा लें और उसके बाद जो आप ब्लीच बना रहे हैं उसमें एक्सेलरेटर कम से कम डालें और उसमें थोड़ा सा, जिस तरह कल हमें नायला ने बताया था, अगर आप कच्चा दूध शामिल कर लें तो वो आपकी स्किन को जो है वो नहीं जलाएगा। अगर बहुत मजबूरी, वैक्स एब्सोल्युटली नॉट, वैक्स प्लीज मत कीजिए, अपने जो है आप स्किन भी खींच रहे हैं, स्किन भी खराब कर रहे हैं और जो आपके पोर्स ओपन होते हैं तो वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, उससे दाने बन सकते हैं। हमने शर्ट में भी एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक यूज़ किया था और पैंट्स में भी वो यूज़ किया था, सो अब हमने नीचे सिर्फ वो फैब्रिक यूज़ किया है और जो शर्ट है वो सिर्फ बीट्स वाली दे दी है और इसका एक पैच जो है वो लहंगे के एंड पर दे दिया है। सब टू योर चॉइस, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दे दें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप एज इट इज़ जो एम्ब्रॉयडरी वाला है उसको बॉर्डर डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ सिंपल नेट का दुपट्टा विद गोल्डन एजिंग और की एजिंग ही हमने शर्ट में भी यूज़ की है और साथ में हमने एक ब्लैक एंड गोल्ड का सेट का कंट्रास्ट देके इसकी कंप्लीट लुक दे दी है। इसमें बहुत जल्दी बनने वाला ड्रेस, बहुत रिजनेबल बजट में बनने वाला ड्रेस और इजीली किसी भी फंक्शन में कैरी करना, इजीली किसी भी, आप इसके साथ कुछ भी पेयर कर सकते हैं, यू कैन हैव अ गोल्डन टॉप विद इट अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना है तो बेहतरीन। और अगर आपको ये नहीं लगता थोड़ा सा, इसको आप वेस्टर्न लुक में भी वैसे तो कैरी कर सकते हैं, स्कर्ट बना दें, स्कर्ट बना दें, यस उस तरह भी कैरी कर सकते हैं, ये ज्वेलरी रिमूव हो जाएगी, सिंपल एक प्लेन गोल्डन टॉप आप साथ यूज कर सकते हैं, साथ में हेयर आपके सिंपल हो जाएंगे, मेकअप सिंपल हो जाएगा, लुक्स वंडरफुल। आज जी हम बैठ जाते हैं और जो सवाल हम लोगों ने ब्लीच और वैक्स की बात हो रही थी तो मिसेस अशमत मुझे बता रही हैं कि नेचुरल ब्लीच भी जो है वो आप बना सकते हैं घर पे, और एलोवेरा, लेमन, दही, हल्दी। एलोवेरा, लेमन, दही और हल्दी, ठीक है, इसको मिक्स किया इक्वल क्वांटिटी में, ठीक है, और आपने लगा लिया, ठीक, बस ये आपका नेचुरल ब्लीच है। चलिए, ये तो बहुत ही आसान, कितना आसान है, बिल्कुल। और इसको जो ये ना आपकी स्किन को रुइन करेगा ना हार्श करेगा, ब्राइट, और मैं हमेशा कहती हूँ वाइट स्किन नहीं ब्राइट स्किन जो है ना वो आपका एम होना चाहिए कि आपकी ग्लोई, साफ सुथरी, बगैर पिंपल्स के स्किन हो।
बाकी जो है वो चीज़ें आगे पीछे एडजस्ट हो जाती हैं। अगर आपको वाकई हॉर्मोन्स का इशू है या कोई मोटे बाल है तो फिर ये जो आप रोज़ रोज़ वैक्स पे इन चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं, थोड़ा सा उन्हें जमा करें और फिर एक दफ़ा जाके लेज़र ट्रीटमेंट करा लें ताकि उससे जो है वो कम हो जाएंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा वो है मोटे बाल हैं तो वो थोड़ा रुआ रुआ बन जाएंगे, ज़्यादा ईजिली कंट्रोल हो जाएंगे। बाकी आप खूबसूरत हैं, सीरत पे ज़्यादा काम करें, सूरत पे इतना नहीं, मैं हमेशा ये कहती हूँ वो डेंटिंग पेंटिंग करके सेट हो ही जाती है किसी न किसी तरीके से, लेकिन सीरत अच्छी होनी चाहिए इंसान की। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू माय डियर, थैंक यू शी, थैंक यू सारा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू शेफ फिना, जो आपके वो अवन वाला सवाल है मैं अगले शो में आंसर करूँगी। जिस बात से आज मैंने स्टार्ट किया था कि लोनलीनेस एक बहुत प्रिवेलेंट इशू है, प्लीज़ घर में रहते हुए सारे लोगों के साथ किसी को लोनली कर देना ये ज़्यादा जुल्म है। सो कॉल योर पेरेंट्स, सिट विद योर पेरेंट्स, टॉक टू योर पेरेंट्स, उन्हें डिनर पे लेके जाएं, घर में कोई बोर्ड नाइट करें, बोर्ड गेम्स वाली नाइट होनी चाहिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाएं, उनकी दुआएं जो हैं वो समेटें, और यही मेरा हमेशा जो है वीकेंड पे पैगाम होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेरी मॉर्निंग आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।